गुड इवनिंग गाइज एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल गुड इवनिंग कैसे हो आवाज आ रही मेरी सब कुछ क्लियर है प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे गुड इवनिंग गाइज आई होप सब बढ़िया हो गए मस्त मौज चलो सो मैथमेटिक्स वो टॉपिक ठीक है एग्जैक्टली वो टॉपिक जिसको लेके जनता रहती है परेशान ठीक है परेशान क्यों रहते हैं क्योंकि सर मैथ्स में लगता है आपका एफर्ट जीके में क्या है भैया जीके में मिला गरम गरम हलवा चुपचाप उसको रट लिया है ना लेकिन विध मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता है गाइस लेकिन जिस प्यार से हम पढ़ेंगे और ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स करेंगे ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें मुझे पता है आपको दिक्कत होती होगी कौन से हो गए स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया प्रॉफिट लॉस हो गया ठीक है परसेंटेज वाला पूरा पैकेज हो गया इसका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एस आई सी आई में दिक्कत होती होगी आपको रेशियो मिक्सचर में दिक्कत होती होगी सो so, ऐसे ही हम तीन चार क्लास में सारी चीजें कवर कर लेंगे ओके okay? बेसिकली जो मेरे बैच वाले हैं उनके मैं यहां पर रिविजन करा रहा हूं तो आपकी चीजें भी कवर हो जाने वाली तो बिल्कुल परेशान नहीं होना एक चीज क्लियर कर दूं अगर अभी क्लास में आयो तो पूरी क्लास तक रुकना ठीक है नहीं तो अभी चले जाओ क्योंकि मैथ्स में ऐसा है ना तुम तो दो क्वेश्चन करोगे उसके बाद बोर हो जाओगे तो अगर बोर होना है तो डेफिनेटली आर्मी एस इज नॉट फॉर यू यार ठीक है सिंपल सी बात पहले दिखाता हूं मैं आपको आज हम करने क्या वाले आज हम क्या करने वाले हैं जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन आपने सुने होंगे भैया बेसिक से लेके जो बेसिक्स बनते हैं सारे पीवा जितने कवर हुए हैं लास्ट दो तीन सालों में जितने आए हैं आपके अलग अलग टाइप टाइप टू टाइप थ्री बोट पूरा हो गया आपका पूरा ट्रेन हो गया आपका लास्ट में कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं कि भैया सर्कल में बंदे घूम रहे हैं ओके चेस कर रहा है बंदा एक दूसरे को सब कुछ करेंगे ट्रस्ट मी आफ्टर द सेशन चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियस में भी अगर आता है ये एफ कैट में आता है एसएससी से लेके किसी भी भैया दुनिया के किसी परीक्षा में अगर आपका ये आ रहा है इट्स माय प्रॉमिस कि आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलो सो गुड इवनिंग जय हिंद आई होप सब लोग अच्छे होंगे स्टार्ट करते हैं गाइस बेसिक से बिल्कुल करेंगे अब यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक आता होगा ठीक है लेकिन धीरे दिर धीरे हम बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एफकाट में हमारे वो भी आते हैं और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ पहले बात करेंगे ऑफकैट में होता क्यों नहीं आपसे सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना वो ये है कि सर बड़ा क्वेश्चन दिख गया था छोड़ दिया सर लगा कि बहुत टफ होगा सर मैथ्स था सर लास्ट में रखा था लेकिन सर टाइम ही नहीं बचा सर सर रीजनिंग में ही करते रह गए सर उसमें भी गलत करके आए हैं सर कि बताओ क्या करें सर तो ऐसे फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा ये वो अट्ठारह क्वेश्चन है भाई जो तुमको आगे रखते हैं कंपटीशन में क्योंकि जीके सब लोग वही पढ़ रहे हैं रीजनिंग सब कर लेते हैं पच्चीस क्वेश्चन इंग्लिश में एलिमिनेशन वगैरह यूज़ करके ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन सेम ही रहता है मैथ्स है एक्चुअली जो कर पाता है वही आगे जाता है तो ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज हम आपका पूरा पैकेज कवर करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला तो डरना नहीं है क्वेश्चन आराम से पढ़ना है मैं सिखाऊंगा आपको एक एक लाइन पढ़ना है है जो वो बोल रहा है, उसी को बस फॉलो करना है देखते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं होता है स्टार्ट करें चलो तो ये हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रेफरेबलीट के लिए जिसमें आपके चार से लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल इसमें आपका आपका बोट भी होगा इंक्लूडेड इसमें आपका ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन भी होता है कभी आपसे बोलेगा एक बंदा किसी को चेज कर रहा है किसी से मिलने गया है वो मिलने आई ही नहीं भैया वापस आगे निराश होके अब भैया बैठ के कहां रो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है लोकेशन डिस्टेंस ये सब कुछ पूछता है तो इस पूरी रामायण जितनी हम करने वाले हैं ना सारी रामायण केवल एक फॉर्मूले पे गाइस डिपेंडेंट होगी वो फॉर्मूला हमारा ये है कौन सा फॉर्मूला है कि भैया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम केवल और केवल गाइस इस एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे और अभी आप देखोगे कैसे हम पूरा चैप्टर हर टाइप के क्वेश्चन गाइज हमारे इसमें से ही होगा ठीक है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है जानता है ठीक है एक और बहुत कंफ्यूजन होती है जनता को वो कंफ्यूजन क्या है कि सर चेंज ही करना नहीं आता कि सर पता नहीं कभी कभी मीटर में दिया होता है और कभी कभी किलोमीटर में कब किस में हमें यूज करना होता है हमें ये क्लियर नहीं होता है ओके तो याद रखेंगे यहां पर भैया मीटर है मीटर छोटा भाई है किलोमीटर बड़ा भाई है छोटे भाई से बड़े भाई की तरफ जाने के लिए ऊपर हमारा बड़ा नंबर होगा नीचे होगा छोटा नंबर बस जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर मीटर पर सेकंड से हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 से और अगर उल्टा करना है छोटे भाई के पास आना है तो छोटा भाई ऊपर रहेगा 5 बाई एटीन से करेंगे मल्टीप्लाई बस और ये कहां से आया बेसिकली आपका 60 इंटू सिक्स करते हैं वो सारी कहानियां यहां समझने की जरूरत नहीं है सिर्फ अभी इतना आप समझ लें कि भैया मल्टीप्लाई किससे करते हैं चेंज करने के लिए कोई दिक्कत ये करके दिखाऊंगा मैं ठीक है क्वेश्चन में करके देखेंगे ऐसे बस रटना नहीं है कैसे यूज करते हैं कब मीटर में होता है कब सेकेंड्स में होता है विल डू एवरीथिंग बढ़िया चलो आगे ठीक स्टार्ट करें क्वेश्चंस अपने सबसे पहले बिल्कुल पढ़ेंगे बेसिक से अब बेसिक में गाइस एक क्वेश्चन हमारा आता है एवरेज स्पीड का ठीक है एवरेज स्पीड का भैया हमारा एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल पहले हम गाइस कवर करेंगे बेसिक वाले एवरेज स्पीड क्या होता है आपने देखा क्रिकेट में भैया एवरेज बंदे की एवरेज इतनी है इस बंदे की एवरेज इतनी जा रही है ठीक है इवन आपका एवरेज एक अलग टॉपिक भी होता है तो जरा एक चीज आप सीख लेंगे कि एवरेज भैया कुछ नहीं होता एवरेज बराबर होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर लोगों का हम निकाल रहे हैं ना जितने लोगों का हम निकाल रहे हैं एवरेज उनसे डिवाइड कर देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एवरेज निकालू तुम आठ लोग हो तुम आठ लोग हो और मैं बोलू सबके पास दस दस रुपए है और मुझे अगर यह पूछना हो कि एवरेज कितना पैसा है एवरेज कितना पैसा है तो मुझे पता है दस रुपए मुझे अगर ये निकालना हो टोटल हम सबके पास मिला के कि कितना पैसा है तो मैं क्या करूंगा 800 को 10 से कर दूंगा मल्टीप्लाई तो वही तो कर रहा हूं 800 हम लोग हैं एवरेज हमारा 10 था टोटल सम हमको मिल गया ये फॉर्मूला गाइज एवरेज का होता है तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें अभी मैंने आपको सिखाया स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सिंपल कोई पंगा इसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टाइम नीचे है याद रहेगा ये याद रहेगा वेरी गुड वही तो है यार वही तो है भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली कहानी ही तो है बच्चे ये दो चीज याद रखेंगे और अब डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन पे पहले दो तीन क्वेश्चन खुद से करेंगे प्रैक्टिस उसके बाद उस टाइप के रिलेटेड हम पीवाई क्यूज भी करेंगे पहले मैंने इसको नाम दिया हुआ है बेसिक्स आपके बेसिक क्वेश्चन जो बिल्कुल हलवा वाले होते हैं जिनके लिए आपको पेन की जरूरत भी नहीं होती लेकिन पेन का जरूरत पेन यूज़ करेंगे एग्जाम में ठीक है ऐसा ना होगी पेन यूज ही ना करो हाँ चलो क्वेश्चन नंबर वन एक आदमी है भैया जो तो ट्रेवल कर रहा है एक डिस्टेंस 24 किलोमीटर एट दिस स्पीड एक और डिस्टेंस अब देखो पहली चीज़ जो मैंने आपको सिखाई पहली गलती आपकी कि सर क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और सर पढ़ने का मन ही नहीं होता गधो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हो ना बस वही करना है साथ में करते हैं। एक आदमी है ट्रेवल कर रहा है कितना डिस्टेंस चौबीस किलोमीटर भैया डिस्टेंस हमारे पास कितना है ट्वेंटी फोर किलोमीटर स्पीड कितनी है उसकी सिक्स किलोमीटर पर बर क्या कोई दिक्कत हुई क्या लिखने में नहीं हुई ना एक और डिस्टेंस कवर करता है ट्वेंटी फोर किलोमीटर इस स्पीड के साथ क्या बात तीसरा डिस्टेंस मतलब ये घूम ही रहा है तीसरा डिस्टेंस कवर करता है चौबीस किलोमीटर इस स्पीड के साथ आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड अब मुझे बताओ अभी हमने क्या सीखा अभी हमने क्या सीखा था एवरेज स्पीड क्या होती है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अभी एग्जाम में ये फॉर्मूले मत लिखने लगना कि नहीं सर ने तो ऐसा सिखाया था पूरा हम फार्मूला लेके फील लेके करेंगे नहीं वहां पे कॉपी चेक नहीं होगी ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चलो सो टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कितना जा रहा है चौबीस ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी ये टोटल डिस्टेंस हमने काउंट कर लिया कितना आएगा 72 किलोमीटर अब देखो नीचे पूछता है टोटल टाइम भैया टाइम तो देना भूल ही गया सर ये तो गलत क्वेश्चन हो गया तो गधो हमने क्या सीखा था अभी टाइम क्या होता है टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सीखा था बस रख दो पहले में कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस था चौबीस स्पीड थी सिक्स दूसरे में डिस्टेंस था चौबीस स्पीड थी एट तीसरे में डिस्टेंस था चौबीस स्पीड थी बार क्या है इसमें फोर आ गया ये थ्री आ गया ये टू आ गया ये हो गया फोर थ्री सेवन टू नाइन नाइन एट जावेंटी टू खत्म ये है आपका बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इसमें कुछ टफ भी देगा यार तब भी कर लोगे सबको क्लियर है वेरी गुड चलो अब इसी में यार कभी कभी ना वो ऐसे देता है कभी कभी आपको खेलना आपके साथ खेलता है कि यार डिस्टेंस तुमको नहीं बताएंगे लेकिन तुमको हम ये बताएंगे कि यार थ्री फोर्थ जितना डिस्टेंस है ना उसका थ्री फोर्थ उसने बस से गया था वो थ्री फोर्थ डिस्टेंस बस से गया था हम भी खिलाड़ी हमने मान लिया रहा होगा कोई डिस्टेंस कोई डिस्टेंस रहा होगा भाई एक्स कोई डिस्टेंस एक्स रहा होगा उसका थ्री फोर्थ हम बस से गए हैं ठीक है थीके? उसके बाद वन सिक्स हम गए हैं रिक्शा से वन सिक्स उस डिस्टेंस का भैया रिक्शा से गए हैं कोई दिक्कत नहीं और रिमेनिंग टू किलोमीटर और दो किलोमीटर भैया हम गए हैं पैदल आपको बताना है इस बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा बताइए देखो सिंपल सी बात है मुझे एक चीज बताओ मुझे एक चीज बताओ अगर तुम्हारे पास कोई चीज है ठीक है मैंने उसका थ्री फोर तुमसे ले लिया ठीक और मैंने फिर दोबारा तुमसे उसका वन सिक्स भी ले लिया तो मतलब मैंने तुमसे कितना ले लिया इसका कैल्सियम निकाल लेंगे मैंने तुमसे कितना ले लिया गया इस नाइन प्लस अलेवन बाई ट्वेल्व ठीक मतलब तुम्हारे पास कोई चीज थी ट्वेल्व मैंने उसका अलेवेंथ पार्ट ले लिया है भैया बचा कितना पार्ट वन ट्वेल्थ ही तो बचेगा अगर उसने अलेवेंथ ट्वेल्थ कवर किया हुआ है बस से और रिक्शा से तो वन ट्वेल्थ बचेगा और इस वन ट्वेल्थ की वैल्यू उसने क्या दे हुई है दो किलोमीटर तो भैया अगर वन ट्वेल्थ की वैल्यू दो किलोमीटर है तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर खत्म ठीक अब इसमें कभी कभी टफ कर देता है वो इसमें कुछ और आगे आपसे पूछ लेगा ठीक है इस पर्टिकुलर जर्नी में पूछ लेगा भैया कितना चार्ज लगा कितना किराया लगा वो चीज आगे आएगी डन बेसिक आप पहले समझ लीजिए वेरी गुड नेक्स्ट पिंकी जी के घर चलेंगे अच्छा पिंकी जी वॉक कर रहे हैं पिंकी जी वॉक पे निकली हैं फाइव किलोमीटर जा रही हैं अपने घर से स्कूल बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब इसी में थोड़ा सा हाई लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल है लेकिन हाई लेवल बोल के डरना नहीं है या बड़ा क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है बस रीड करो आराम से ठीक है पिंकी जी वॉक कर रही है पांच किलोमीटर हर होम से अपने घर से स्कूल साठ मिनट में मतलब पिंकी जी पांच किलोमीटर जा रही है एक घंटे में एक घंटे में पिंकी जी जा रही है पांच किलोमीटर ठीक है उसके बाद क्या हुआ देन बाइसिकल्स बैक टू होम उसके बाद दीदी वापस आई है कहां पे? अपने घर आती हैं. सेम रूट लेके एट दिस स्पीड लेके 15 किलोमीटर पर आर से वापस आती हैं. यानी कि जाती कैसे हैं 5 किलोमीटर पर आर से और वापस भागते हुए आती हैं तेज चलाते हुए 15 किलोमीटर पर आर से उनकी एक सिस्टर है उनकी गाइज एक सिस्टर है स्मृति वो गाइज सेम राउंड ट्रिप करती हैं लेकिन उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो हाफ होती है क्वेश्चन समझ जाओगे बहुत ईजी है आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा स्मृति को राउंड ट्रिप करने में बहुत प्यारा क्वेश्चन लेकिन कुछ लोग को टफ लगेगा और वो नहीं करेंगे इसको लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है पहले हम निकालेंगे पिंकी जी की एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको सिखाया एवरेज स्पीड क्या होती है सीखा अभी हमने बस उसी का इस्तेमाल करेंगे तो भैया तो पिंकी जी की एवरेज स्पीड हम निकालेंगे देखो पिंकी जी की एवरेज स्पीड क्या आएगी भैया जाते हुए फाइव है आते हुए कितनी है फिफ्टीन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लिख लो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो और आपका जाने और आने का डिस्टेंस सेम है हैगाइज तो आपकी एवरेज स्पीड हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैसे ट्वाइस ऑफ जाने की स्पीड अपॉन आने की मल्टीप्लाइड बाई आने की स्पीड डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड ऐड कर दो ठीक तो भैया जाने की स्पीड फाइव थी आने की फिफ्टीन है तो हमने एवरेज निकाल लिया पिंकी जी का तो पिंकी जी का एवरेज स्पीड कितनी आ गई कितनी आएगी ये आएगी पिंकी जी के एवरेज स्पीड आ गई भैया फिफ्टीन बाई टू किलोमीटर पर आर यहां तक किसी को तकलीफ हुई किलोमीटर पर आर ठीक है किसी को तकलीफ हुई नहीं हुई बढ़िया आगे अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है हर सिस्टर स्मृति मेक्स द सेम राउंड ट्रिप बट सो एट हाफ ऑफ पिंकी एवरेज स्पीड कह रहा है जो उसकी बहन है स्मृति स्मृति की जो स्पीड है गाइज वो इसकी हाफ है किसकी फिफ्टीन की तो भैया स्मृति जी की हमारी स्पीड कितनी है 15 बाई टू सॉरी 15 बाई फोर फिफ्टीन बाई फोर क्योंकि दीदी की फिफ्टीन बाई टू थी ना दीदी की फिफ्टीन बाई टू थी तो ये हो गई फिफ्टीन बाई फोर किलोमीटर पर आर यहां तक क्लियर है सभी के लिए देखो तो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ठीक है आंसर आ जाएगा इसका दो, दो लाइन में लेकिन अगर हम समझ रहे हैं तो मेक श्योर sure आप आराम से करते हैं उसको यार जल्दबाजी नहीं है कुछ कोई जल्दबाजी नहीं है भाई डन अब देखो पूछ क्या रहा था कितना टाइम लगेगा दीदी को दीदी को राउंड ट्रिप लेने में कितना टाइम लगेगा दीदी को निकालना है टाइम टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड राउंड ट्रिप मतलब इसी को डबल कर दो भाई राउंड ट्रिप है ना आने का भी जाने का तो डबल कर दो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था डिस्टेंस तो पांच किलोमीटर ही है पांच ही तो है डिस्टेंस और इनकी स्पीड थी फिफ्टीन बाई फोर खत्म इसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा वन सिक्सटी मिनट आएगा क्वेश्चन बहुत प्यारा था ठीक है और यहाँ जो बकवास कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं क्लास जिनको पढ़ना है प्लीज़ वही रखो ये बंदी चाहिए ये चाहिए जाके प्लीज़ आप बाहर करिए ठीक एल्स आई विल रिमूव बिकॉज आई एम नॉट डेट कैंड ऑफ पर्सन कि मेरे को सब्सक्राइबर एंड ऑल दोस्त नहीं चाहिए भाई अगर मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ ढाई घंटे तीन घंटे लगते हैं इसको बनाने में ओके उसके बाद अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कुछ मतलब नहीं है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या था पिंकी जी वॉक कर रही हैं पांच किलोमीटर वापस आ रही हैं जाने की स्पीड है पांच किलोमीटर पर आर पर आर क्यों के लिया मैंने साठ मिनट लिखा है भाई साठ मिनट का मतलब होता है एक घंटे ठीक है तो फाइव किलोमीटर पर आर भैया उनकी हो गई स्पीड जाने की और आने की स्पीड हो गई पंद्रह डिस्टेंस तो सेम है ना तो हमने निकाल लिया एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से तो उनकी एवरेज स्पीड आ गई फिफ्टीन बाई टू फिफ्टीन बाई टू उनकी एवरेज स्पीड आ गई क्वेश्चन में लिखा क्या था कि जो उसकी बहन है उसकी स्पीड क्या है इसकी हाफ है फिफ्टीन बाई टू के हाफ क्या हो जाएगा फिफ्टीन बाई फोर हमको मिल गई दीदी की स्पीड हमको डिस्टेंस पता था पांच किलोमीटर बेसिकली राउंड ट्रिप पूछ रहा है तो वो पांच का दस हो जाएगा टेन बाकी से हमने कर दिया डिवाइड मिल गया हमको उसकी इस टाइम समझ आ गया हाँ ट्विंकल वही किया है ना डिस्टेंस यहां मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अगर तो फाइव का टेन ही तो हो गया ना फाइव का टेन हो गया ना देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया ये हमारा उसने एक दो चीज़ें मिक्सअप कर दी थी मूविंग अब ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जितनी चीज़ अभी सीखेगा इस उसी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ आपका थोड़ा सा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा कह रहा है तीन बाइक है वैन है लॉरी है ठीक है इन तीनों की स्पीड इन तीनों की स्पीड भैया का रेशियो क्या है थ्री रेशियो सेवन रेशियो फाइव ठीक है कह रहा है अगर लॉरी कवर करते हैं तीन सौ साठ किलोमीटर बारह घंटे में आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी बाइक और वैन की एक चीज ध्यान रखेंगे जहां भी एवरेज टर्म आए अगर मैं बोलूं मुझ में और पिंकी जी में अगर ये मैं हूं और ये पिंकी जी हैं हम दोनों की एवरेज एज कितनी है तो अगर मैं हूं मान लो पच्चीस साल का पिंकी जी मान लो है सोलह साल की सोलह <laughs> साल की तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे दोनों को ऐड करके गाइस डिवाइडेड बाय टू करना मत भूला करो एवरेज का मतलब ही होता है कि आप डिवाइड भी करोगे जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करोगे याद रखेंगे इसको इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो भैया यहां पे बाइक का जो रेशियो स्पीड का वो थ्री है वैन का सेवन है लॉरी का हमारा फाइव है आपसे क्या बोल रहा है कि अगर लॉरी हमारी कवर करती है तीन किलोमीटर बारह घंटे में यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या हमारे पास डिस्टेंस है हमारे पास टाइम है क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या लॉरी की निकाल सकते हैं क्या वेरी गुड स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि कितनी आएगी थर्टी किलोमीटर पर आवर ठीक थर्टी किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड किसकी लॉरी की और भैया लॉरी की यार जो रेशियो दिया हुआ था वो तो फाइव दिया हुआ था इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है जो फाइव की वैल्यू है यार वो थर्टी है ठीक मतलब वन की वैल्यू कितनी होगी सिक्स होगी यहां तक कोई डाउट किसी को वन की वैल्यू होगी हमारी सिक्स हमको निकालना क्या था एवरेज स्पीड बाइक और वैन का भैया बाइक की वैल्यू थ्री है वैन की वैल्यू सेवन है, है जरा देख लेंगे तो ये एक की वैल्यू अगर हमको सिक्स मिल गई तो थ्री की वैल्यू हो जाएगी एटीन और सेवन की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी टू तो एक की अठारह दूसरे की बयालीस डिवाइड बाई टू कर देंगे जो मैंने आपको यहां सिखाया कितना आ जाएगा जल्दी वेरी गुड थर्टी समझ में आ गया तो आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट ही बेसिकली यहां पे यूज हुआ है और यहां पे थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो गया था आप चाहो तो यहां एक्स भी मान लो भाई नहीं तुमको परेशानी हो जाएगी सर कहां से थ्री की वैल्यू कैसे हो गई सर एक्स मान लो भाई लो फाइव एक्स की थर्टी है तो एक्स की वैल्यू अगर सिक्स आ गई तो सेवन की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी और थ्री की वैल्यू हो जाएगी एटीन अभी क्लियर गुड चलो ये भी है हमारा का क्वेश्चन इसके बाद अभी घंटे में, एक में जो आप सीख जाओगे ना, मतलब ना उतना स्ट्रेस डाल नहीं सकता क्योंकि आपको लगेगा अरे यार, यार तो बस ऐसे बोल रहा है व्यू के लिए बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रस्ट मी मैं आपको वो दिखा नहीं सकता कि जब आप ये चीजें समझ लोगे ना एक बार तो एग्जाम में कितना ही हेल्प करती चीजें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना आप होगा ठीक तो चाहे आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो चाहे जो कर रहे हो चाहे आप टू एक्स करके देखो डाउनलोड करके देखो बस प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो ठीक है चलो भैया स्पीड ऑफ अ पर्सन ए से बी जाने की बीस है वापस आने की तीस है आपको बताना है एवरेज स्पीड ये भी आपका प्रीवियसर क्वेश्चन है देख लो लेवल जो रोते रहते हो ना अठारह क्वेश्चन में से भैया जो जितना हम पढ़ेंगे यहाँ पे ना बारह तेरह तो ऐसे होते हैं इतने ईजी आते हैं मेन कहानी तीन चार क्वेश्चन में ही होती है और हम उसके लिए भी पढ़ रहे हैं वैसे ही हम जीके भी कर रहे हैं रिजिंग उस दिन किया था दोबारा करेंगे और अभी वी हैव हाँ इनफ टाइम टू तो रिपीट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन पूरा फुल मॉक करेंगे साथ में आई एम मेकिंग पेपर्स ऑल्सो तो इफ़ यू नॉट पुटिंग एफर्ट्स अभी भी तो यार प्लीज रिजल्ट नहीं आएगा फिर चलो अभी इसका आंसर नहीं बताने वाला डायरेक्ट है भैया ट्वेंटी भैया थर्टी हमने अभी सीखा था डायरेक्ट फार्मूला पे रखेंगे और कर लेंगे आंसर क्या आएगा आंसर क्या आएगा कुछ गलत कर दिया मैंने स्पीड वर्सन ऐसे भी बीस है वापस आने की तीस है ठीक है फाइंड द एवरेज स्पीड तो जाएगा थर्टी सिक्सटी वन ट्वेंटी होगा ऊपर और नीचे होगा फिफ्टी मैंने कुछ गलत किया है <laughs> क्या गलत किया <coughs> स्पीड पर्सन की ए से बी भैया बीस है ठीक है रिटर्न आने की स्पीड है थर्टी ओके okay. आपको बताना है एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इन द एंटायर जर्नी सही है अच्छा उल्टा किया था मैंने ठीक है तो ये हो जाएगा बारह सौ अपॉन फिफ्टी वही मैं सोचूं यार <laughs> कमेंट में भी शुरू हो जाता क्लास खत्म होने का फाइव हो <laughs> कल मैंने बोला था ना कि एक कमेंट पक्का आएगा कि ये आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश पक्का कमेंट था वो आई न्यू दैट आएगा ही आएगा चलो गुड इजी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड अरे मैंने एक जीरो मिस कर दिया था भाई वही मैं सोचू यार चलो ये भी आपका गाइस 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है कह रहा एक आदमी है ट्रेवल करता है देखो बहुत आराम से पढ़ो मैथ्स से डरो मत भाई मैं फिर बोल रहा हूं ठीक है मैथ्स बस सबसे इजी है भाई सबसे इजी क्यों है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं अगर आपको अप्रोच पता है तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन गलत हो ऐसा हो ही नहीं सकता भैया कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए भाई चौबीस आएगा क्या फाइव टू जेट टेन ठीक है ठीक है ठीक है <laughs> आएगा ये भी आएगा ठीक चलो तो क्वेश्चन क्या है एक आदमी है जो ट्रेवल कर रहा है नाइनटी किलोमीटर कार से भी जा रहा है भाई और टैक्सी से भी आ रहा है ठीक है जो किराया आ रहा है कार का और टैक्सी का कार का किराया भैया कितना है सात रुपए पर किलोमीटर ये तो भाई ओला वाली बात हो गई छह रुपए में पर किलोमीटर जाए है ना टैक्सी का क्या हो गया भैया सिक्स पर किलोमीटर आपसे कह रहा है टोटल फेयर अगर भैया फाइव सेवेंटी सिक्स हुआ है आपको बताना है टैक्सी से कितना गए थे हम तो बताइए टैक्सी से भैया कितना हमारे घूमे थे तो अगर भैया ने नब्बे किलोमीटर ट्रेवल किया है कार से भी और टैक्सी से भी हम मान लेते हैं भैया हमारे एक्स किलोमीटर गए हैं कार से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को एक्स एक्स मानने में मान लिया अगर भैया लिखा क्या है कि कार से भैया हमारे नाइन्टी गए हैं कार और टैक्सी मिला के हमने माना यार नाइन्टी में से कुछ गए होंगे कार से कुछ कितना एक्स मान लेते हैं एक्स गए होंगे कार से और कार पर किलोमीटर कितना पैसे लेती है सात रुपये लेती है तो भैया टोटल किराया कितना हो गया सेवन से मल्टीप्लाई करोगे ना ये तो करते हो ना अगर मैं आपको बोलूं दस रुपये पर किलोमीटर में लूंगा तुम अगर दस किलोमीटर जाओगे तो आप टेन इंटू टेन करके हंड्रेड लाते हो ना तभी आप उसको सौ रुपये देते हो वही तो कर रहे हो यहाँ पे तो ये हो गया हमारे कार का अब यार टोटल 90 किलोमीटर आप गए हो एक्स आप चले गए कार से तो टैक्सी से कितना गए हो गए में से जो हम एक्स को निकाल देंगे वो आप गए हो टैक्सी से और इसका किराया है छह रुपए और ये बराबर कितना पैसे दे रहे हो आप उसको फाइव सेवन सिक्स खत्म क्वेश्चन खत्म भाई यहीं पे कुछ बचा ही नहीं सॉल्व कर लो इसको सेवन एक्स प्लस 540 6x is to 576 x की वैल्यू कितनी आ गई 36 और गधो 36 आंसर नहीं है 36 टिक करके जो आ रहे हो अभी भी नहीं कर पा रहे हो यार हमने x माना था कार को भैया कि कार से जा रहे हैं x किलोमीटर 90 x हमने माना था टैक्सी के लिए तो टैक्सी से कितना गए हो 90 x की जो वैल्यू आई है आपकी यानी तुम गए हो 54 किलोमीटर टैक्सी से यही गलती करके आते हो एग्जाम में और फिर बोलते हो सर हम तो करके आए थे सर ठीक ध्यान रखेंगे अब हम मूव करेंगे टाइप टू की तरफ ठीक है टाइप टू की तरफ जरा मूव करेंगे आपके स्पीड डिस्टेंस में हमने बेसिक वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए उसमें इवन कभी क्वेश्चन आपका आता है चेंज करने को कि यार ये दिया हुआ है इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड ठीक है तो वो सारी चीजें हमने कवर कर ली अब हम बात करेंगे टाइप टू की तो भैया टाइप टू में क्या होता है यार देखो यहां पे क्या होगा यार हम घूम रहे थे लेकिन लेट हो गए यार हमको स्पीड बढ़ानी चाहिए अपनी तो जितने भी ऐसी कहानी वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि यार हम इस स्पीड से गए थे तो यार हम लेट हो गए थे अब हम इस स्पीड से जा रहे हैं तो हम पहले पहुंच जा रहे हैं तो यार सही टाइम क्या है पहुंचने का ये चीज है ठीक है <coughs> देखो देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है इफ अ ट्रेन आराम से पढ़ो मेरे साथ एक ट्रेन है अगर वो भैया 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है स्पीड है तो वो पहुंचती है डेस्टिनेशन अपना 12 मिनट लेट 12 मिनट लेट हो जाते हैं भैया अगर इस, इस स्पीड से जाएंगे तो तो उन्होंने क्या किया अगर वो 80 किलोमीटर की स्पीड से जाए 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएं तब तो भी वो लेट हो रहे हैं अभी भी लेट ही हो रहे हैं तीन मिनट आपको बताना है करेक्ट टाइम क्या है पहुंचने का देख के जितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना उतना ही इजी है सबसे इजी क्वेश्चन है ये मुझे एक चीज बताओ दिमाग खोलो अपना एक चीज बताओ इसमें से कौन सी वो चीज है जो कांस्टेंट है दोनों केस में क्या वो स्पीड है क्या वो टाइम है या क्या वो डिस्टेंस है तीनों में से वो कौन सी चीज है जो दोनों केसेस में कॉन्स्टेंट है बताओ जल्दी आज मैंने पानी गर्म किया कुछ ज्यादा गर्म हो गया पीने के लिए इसको आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा डिस्टेंस किसी को परेशानी क्या डिस्टेंस में नहीं डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना यार तुमने स्पीड कम ज्यादा की है टाइम कम ज्यादा हुआ है लेकिन यार ट्रेन तो वही है यार दूरी तो यार वही तय कर रही है डिस्टेंस तो यार वही तय हो रहा है मतलब जितना डिस्टेंस हमारा पहले कवर कर रही थी दोबारा जब उसने टाइम अपना स्पीड चेंज की होगी वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी जितना डिस्टेंस पहले उतना ही दूसरे केस में हमने चीज पढ़ी थी डिस्टेंस क्या होती है भैया डिस्टेंस होता है स्पीड इन टाइम याद है ना स्पीड इन टाइम होता है ठीक है ठीक है तो भैया मुझे एक चीज बताओ पहले स्पीड थी सेवेंटी तो पहले उसकी स्पीड थी सत्तर ठीक टाइम से वो पहुंच रहा था लेट बारह मिनट हम मान लेते हैं कि भैया टी वो टाइम है टी वो हमारा करेक्ट टाइम है जिस टाइम पे उनको पहुंचना था और इस टी से वो 12 मिनट लेट पहुंच रहे हैं मतलब 12 मिनट ज्यादा ले रहे हैं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या किसी को कोई परेशानी पेट में दर्द नहीं ना बढ़िया ये बराबर होगा दूसरे केस में हमारी स्पीड कितनी है अस्सी हो गई है और अभी भी वो तीन मिनट लेट जा रहे हैं मतलब टाइम कितना ले रहे हैं जो हमारा करेक्ट टाइम है उससे तीन मिनट ज्यादा ले रहे हैं अगर यहां पे अर्ली लिखा होता गाइज तो यहां मैं माइनस करता लॉजिक समझ रहे हो क्यों माइनस करता क्योंकि करेक्ट टाइम है टी पहुंचने का तुम पहले पहुंच गए लेकिन यहां पे लेट पहुंच रहा है इसलिए मैं टी में टीन ऐड कर रहा हूं सॉल्व कर लो खत्म टी की वैल्यू तो निकालनी है तुमने ही बोला था भाई डिस्टेंस सेम होगा तभी मैंने ऐसे किया है देख लो देख लो भाई दिक्कत कितना आएगा टी कितना आएगा टी बताओ सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हो ना अब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चेंज नहीं भी करोगे भाई वो कट जाना है बिना चेंज यहां चेंज करके भी कर सकते हो तब भी आंसर वही आएगा चेंज नहीं भी करोगे तब भी वो कट जाएगा भाई दोनों को हमने इक्वल किया हुआ है समझ आया <laughs> कट जाएगा वो वेरी गुड समझ में आ गया समझ में आ गया इसके एक दो क्वेश्चन मैंने और रखे हुए हैं और आपके भैया आपकेट में आया भी हुआ है दोबारा समझ लो क्वेश्चन में क्या था उसने बोला यार एक ट्रेन है वो यार 70 के स्पीड से जा रही है लेकिन यार लेट हो जा रही है तो हमने क्या किया हम अगर भी है तो हमने दिमाग लगाया कि यार, डिस्टेंस तो यार वही कर रही पहले भी अभी भी तो डिस्टेंस बराबर कर दिया डिस्टेंस का मतलब हमको पता है पहले स्पीड ये थी अब स्पीड ये हो गई पहले टाइम इतना ले रही थी बारह मिनट ज्यादा अब इतना दोनों को इक्वेट कर दिया आंसर आ गया खत्म चलो सेम और इसके बाद हम करेंगे पीवाई क्यूज ट्रस्ट मी गाइज जितने भी आपके टाइप हैं स्पीड डिस्टेंस के बोट अभी करेंगे बोट की सवारी करेंगे तैयार रहना सब जो रोते रहते हैं ना बोट वाला क्वेश्चन सर बोट सर समझ नहीं आता सर क्या पूछ रहा है समझेंगे लास्ट में माइनस होता है ब्रो ब्रो रटते नहीं है ठीक है माइनस होता है क्वेश्चन समझ के करते हैं कहा माइनस होता है कहां प्लस होता है समझी मैम चलो इफ अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड टू टू थर्ड अब देखो कभी कभी यहां पे बाई लिखा होगा कभी कभी टू लिखा होगा दोनों में डिफरेंस समझ लो दोनों में डिफरेंस समझ लो ठीक है अगर लिखा होता तो रिड्यूस किया स्पीड बाई इसका मतलब क्या था कि उसकी स्पीड वन थी उसने टू थर्ड रिड्यूस कर लिया मतलब अब हो गई उसकी वन बाई थ्री बट अगर बाई टू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है उसकी स्पीड पहले वन थी अब वो टू थर्ड हो गई बस ये मतलब होता है तो बाई और टू में कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप जो अभी आपने सीखा है उससे कर लिया होगा ये क्वेश्चन उससे कर लिया होगा डू लाइक द सेशन एंड पूरा पढ़ के जाएंगे ठीक है देखो अगर भैया कह रहा एक आदमी है उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लिया टू थर्ड से हमने माना यहां पे भी डिस्टेंस तो सेम रहे तो ही रहेगा ना डिस्टेंस तो भैया सेम ही रहेगा दोनों केस में पहले हमने माना उसकी स्पीड एस थी टाइम भैया हमारे ले रहे थे टी किसी को दिक्कत ये मानने में नहीं दूसरे केस में क्या हुआ उनकी स्पीड रिड्यूस होके हो गई है टू थर्ड यानी एस की जगह अब हो गई है टू थर्ड एस कोई दिक्कत नहीं डिस्टेंस क्या होता है स्पीड टाइम टाइम कितना एक घंटे ज़्यादा ले रहे हैं तो टी में भैया एक ऐड कर देंगे खत्म इक्वेट करो कर दो क्या इक्वेट क्या आएगा एस टी इज इक्व टू टू थर्ड एस टी प्लस टू थर्ड एस ये आ जाएगा हमारा एस टी बाई थ्री इसको इधर ला मैं माइनस कर दो रहा हूँ एक स्टेप खा गया मैं इतना आई होप आपको आता होगा ठीक थ्री से थ्री चले गए एस से एस चले गए टी की वैल्यू आ गई टू और टी क्या थे थी हमने करेक्ट टाइम मांगा था नॉर्मल स्पीड वाला जो कि पहले हमने किया था कंसीडर कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत हुई करने में ये चलो तो इसी के ऊपर आया है हमारा एक पीवाई क्यू भी वैसे ही है कर लोगे आप ठीक है पहले हम देखते हैं पीवाईक्यू क्यू है आपके एफकैट टू थाउजेंड ट्वेंटी में गाइस क्वेश्चन आया है सेम टाइप का और ये गलत नहीं होना चाहिए अभी जल्दी करेंगे गलत ना करो भाई चलो कोई ट्रिक कोई कुछ नहीं होता सिंपल प्योर लॉजिक होता है भाई तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटी है जो हम बढ़ रही है यहाँ पे और कुछ नहीं साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर रहे हो तुम लोग जो कि क्या है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है कौन से आर्टिकल में होती है फिफ्टी वन ए में कौन से पार्ट में पार्ट फोर ए में ठीक है कहाँ से लिया था हमने ये आइडिया यू से लिया था बताओ आंसर सॉरी hmm. <coughs> बताओ जल्दी 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 देखो क्वेश्चन फिर से पहली गलती जो हमने ऊपर पढ़ी थी क्वेश्चन आपने रीड नहीं किया फिर से नहीं हुआ ना क्योंकि रीड नहीं कर रहे हो यार हिंदी तो समझ सकते हैं ना हम सब लोग कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं इतनी तो अवेयरनेस है हमें हम क्या लिखा हुआ है अगर कोई भैया फोर फिफ्थ स्पीड से जाएगा अपनी एक्चुअल स्पीड का तो वो एक डेढ़ घंटे लेट पहुंचेगा आपसे पूछ रहा है करेक्ट टाइम क्या है पहुंचने का यार डिस्टेंस तो भैया सेम ही जा रहे हो ना यार कितनी बार बताएं भाई क्या ही क्वेश्चन बना रहा है यार ये क्या ही क्वेश्चन बनेगा ये डिस्टेंस तो भैया सेम ही जाएगा ठीक है चलो तो भैया जब डिस्टेंस सेम जाएगा पहले कैसे मान लेते हैं स्पीड एस थी टाइम टी ले रहा था दूसरे केस में क्या हुआ उनका दिमाग खराब हुआ उसने क्या किया स्पीड कम कर ली होगा कुछ कारण होगा कुछ कारण उसने अपनी स्पीड फोर फिफ्थ कर ली मतलब अब स्पीड हो गई है फोर फिफ्थ एस और अब टाइम ले रहे हैं भैया हमारे डेढ़ घंटे लेट पहुंच रहे हैं मतलब डेढ़ घंटे एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसलिए हम यहां पे प्लस करेंगे इसको सॉल्व कर गाइस टी की वैल्यू निकालना है तुरंत तो आ जाएगी क्या आएगी वेरी गुड कुछ दिक्कत हुई एक लाइन में हो रहे हैं भाई ये सारे आपके पीवाई क्यूज हैं हुई दिक्कत बिलीन रास्ता काट <laughs> क्लियर है ये था आपका टाइप टू मूव करेंगे टाइप थ्री की तरफ मूव करेंगे गाइस इस टाइप थे जितने भी टाइप आज तक आपके ऐड में पूछे गए हैं भैया पांच सालों के पेपर का पूरा मैंने सर्च करके पूरा बना के फिर ये बनाया है ठीक है तो कर लो एग्जाम जब देख आओगे ना तो तुम मुझे खुद बताओगे कि हाँ कैसा हुआ है कह रहा है स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो थ्री रेशियो फोर हमारे ए और बी दो बंदे हैं कोई इनकी स्पीड का रेशियो थ्री रेशियो फोर है कह रहा है अगर ए भाई साहब लेंगे बीस मिनट ज्यादा बी से कहीं पे पहुंचने के लिए आपको बताना है उसी टाइम कितना टाइम लेंगे हमारा ए पहुंचने में कितना टाइम लेगा ए पहुंचने में जल्दी बताएंगे गाइस टू लाइक द सेशन डू सब्सक्राइब स्टे कनेक्टेड ओके अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं आप कैट के लिए बहुत कुछ करेंगे अभी बीस दिन में ठीक है उसके बाद फिर सीरियस के लिए करेंगे जैसे पिछली बार की थी करंट अफेयर इन एवरी थिंग लक्ष्मीकांत अभी जो हम कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलो एक चीज़ और सीख लेंगे अगर भैया डिस्टेंस सेम होगा अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो अगर आपको रेशियो दिया हुआ ना स्पीड का अगर भैया स्पीड का उसने दिया हुआ है आपको क्या रेशियो तो अगर स्पीड का रेशियो थ्री रेशियो फोर है तो क्या दिमाग लगा सकते हो क्या कि टाइम का रेशियो कितना होगा टाइम का रेशियो कितना होगा दिमाग लगाओगे क्या इसी का उल्टा नहीं होगा क्यों क्योंकि हमने क्या सीखा था टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड और अगर डी सेम है भैया तो अगर स्पीड किसी की थ्री है और किसी की फोर है तो मतलब ये रिवर्स होगा स्पीड और टाइम रिवर्स हो जाएंगे सिंपल इसमें कोई परेशानी नहीं ये सीख लो अगर डिस्टेंस भैया सेम है और दो बंदों की स्पीड का रेशियो थ्री रेशियो फोर है तो उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा उसी का ठीक तो अगर ए भाई साहब हमारे चार ले रहे हैं फोर एक्स तो बी भाई साहब हमारे ले रहे हैं थ्री एक्स टाइम और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ए हमारा लेता है बीस मिनट ज्यादा यहां देखने पे हमको क्या लग रहा है ए भाई साहब तो एक ज्यादा दे रहे हैं तो एक ज्यादा की वैल्यू हमको मिल गई बीस और हमको निकालना क्या था ए तो की वैल्यू और ए की वैल्यू थी फोर एक्स तो अगर वन एक्स की वैल्यू ट्वेंटी है तो फोर एक्स की वैल्यू कितनी होगी फोर इन टू ट्वेंटी खत्म अस्सी मिनट कोई दिक्कत अब गधो परेशान है आपकी सर कौन सा टिक करें <laughs> ठीक कौन सा करें हैं अरे फोर बाई थ्री आर का मतलब समझते हो फोर बाई थ्री आर का मतलब हो गया सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दो भाई यही होगा फोर्टी एटी मिनट घंटे में दिया है ऑप्शन इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा ठीक है सिक्सटी से डिवाइड करना होगा बेसिकली चलो बट समझ में आ गया ये पूरा रिपीट कर दे रहा हूं मैं मैंने क्या बोला अगर डिस्टेंस सेम है भैया और हम दो दो बंदे हैं हम हमारी स्पीड का रेशियो अगर थ्री रेशियो फोर है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा बस ये याद रखेंगे और यही आप आगे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन रखा है फिर आपके लिए भी सेम टाइप चलो इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है समझना का इसके बाद बोट करेंगे इस टाइप के बाद आपका बोट है फिर और फिर ट्रेन कह रहा इन कवरिंग अ सर्टन डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो फोर ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है यार वो है और ए ले रहा है हमारा थर्टी मिनट्स एग्जाम में यार इतना फास्ट करोगे ना तुम ए है बी है भैया स्पीड का रेशियो थ्री टू फोर है टाइम का रेशियो होगा फोर रेशियो थ्री एक ज्यादा है एक की वैल्यू थर्टी दी हुई है और भाई साहब पूछ रहे हैं फोर की वैल्यू वन ट्वेंटी टिक करके निकल लोगे लेकिन यहां हम कर रहे हैं तो समझ ही करेंगे क्या किया मैंने मैंने वही किया है जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर भैया थ्री रेशियो फोर है हमारा स्पीड का रेशियो डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा फोर रेशियो थ्री ठीक है एक का डिफरेंस है और उस एक की वैल्यू आपको दी हुई है थर्टी मिनट्स आपसे पूछ क्या रहा है फोर की वैल्यू क्या होगी क्योंकि वो ए का पूछ रहा है अगर बी का पूछता तो थ्री की वैल्यू आप निकालते तो अगर एक की वैल्यू थर्टी है तो फोर की वैल्यू हो जाएगी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी मिनट का मतलब होता है दो घंटे परेशानी हुई क्या किसी को वेरी गुड मूविंग ऑन अब जरा दिल थाम के बैठ जाएं क्योंकि हम मूव करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें जिसमें क्या पढ़ेंगे हम बोट के बारे में ठीक है मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है कुछ भी कर लो क्वेश्चन आएगा ही आएगा समझ लेते हैं और एक बार समझ जाओगे ट्रस्ट मी कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे पहले बनाएंगे अपनी टाइटेनिक रुको ये है अपनी टाइटेनिक उल्टी बन गई ये तो दिस इज आर टाइटेनिक ठीक अब हम करेंगे टाइटैनिक की सवारी अच्छा टाइटैनिक डूबा क्यों था पता है किसी को गधो मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है <laughs> ये भी पढ़ाया हुआ है टाइटैनिक डूबा क्यों था इसमें हम बैठे हुए हैं ये है विनायक ये है विशाल ये है श्वेता जी ये है अनुपमा जी और बाकी जनता आ रही है पानी में <laughs> पीछे पीछे उनको जगह नहीं मिली और नीचे हमारा पानी है ठीक है नीचे हमारा पानी है क्या मतलब सर चला कौन रहा है इसको ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी ठीक है चलो समझेंगे जरा समझेंगे इस टॉपिक को देखो बोर्ड स्ट्रीम में क्या होता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हमें निकालना क्या है हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते भैया कि हमसे पूछ क्या रहा है तो जरा एक बार समझ लेते हैं आज एक बार समझ लेते हैं पूछता क्या है दो तो तीन चीजें तो गाइज हमारा ये बोट है इसको हम मान लेते हैं इसकी स्पीड एक्स जिस बोट से हम सवारी कर रहे हैं हम इसको कर लेते हैं कंसीडर एक्स तो हमने क्या मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जब हमारी बोट खड़ी हुई है समझ लो एक बार यार एक बार समझ लो दो मिनट लगेगा उसके बाद क्वेश्चन इतने आराम से होंगे ना कि आप खुद बोलोगे अरे सर क्या स्पीड बोट की हमने मान ली एक्स कोई दिक्कत किसी को आगे किलोमीटर पर आर लगा लो लगाने का मन हो लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीक है उसके बाद नीचे जो तो आपका पानी है गाइज इसको हम बोलते हैं प्यार से स्ट्रीम इसको हम भैया रिवर बोल लो स्ट्रीम बोल लो करंट बोल लो जो मर्जी वो बोल लो एग्जाम में कुछ भी लिख देते हैं वो तो हम क्या लिखेंगे यहां पे स्पीड ऑफ बो सॉरी करंट इसको हम कर लेते हैं कंसीडर वाई कोई दिक्कत मतलब क्या हुआ मतलब ये जो हमारी करंट बह रही है यानी जो पानी बह रहा है इसकी स्पीड हमने वाई मान ली और जो नदी की सॉरी अपने अ, बोर्ड की स्पीड हमने एक्स मान ली ठीक चलो एक्स हो गया वाई हो गया अब मुझे एक चीज बताओ मुझे एक चीज बताओ एक टर्म आपने सुना होगा डाउन स्ट्रीम सुना है क्या डाउन स्ट्रीम और एक टर्म आपने सुना होगा अपस्ट्रीम सबने सुना होगा आई एम श्योर सबने सुना होगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है जब आप स्ट्रीम के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करते हो स्ट्रीम के साथ सेम डायरेक्शन में गाइस मूव करते हो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम जा रही है यानी रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है मैं रिपीट कर दूंगा परेशान मत हो जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी जा रही है इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी गाइज दोनों को ऐड कर दो स्पीड ज्यादा होगी ना यार अगर आप ढलान पे जाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी ना जिधर आपकी रिवर बह रही है उधर अगर आप जाओगे गाइस स्पीड फास्ट होगी स्लो होगी फास्ट होगी ना इसलिए स्पीड इस ऐड कर दिया बट अगर आपकी बोट उल्टा जाए अगर भैया बोट हमारी ऊपर की तरफ जाने लगे स्ट्रीम हमारी जा रही नीचे और बोट हमारी जा रही ऊपर इसी को बोलते हैं अपस्ट्रीम इस इसी को बोलते हैं अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम में क्या होगा x minus y हो जाएगा खत्म आपका पूरा टॉपिक ही यहीं पे यहीं पे भैया पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया आपका क्या सीखा हमने हमने सीखा यार एक बोट अगर हम खड़ी कर दे अपने नाव कहीं पे पानी में स्ट्रीम करंट में कहीं भी उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x जो करंट है जो पानी है गाइस उसकी स्पीड हम मानते हैं y फिर हमने क्या सीखा यार एक कहीं टर्म सुना था डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होगा जब करंट और हम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम एड कर देंगे और अपस्ट्रीम क्या होगी जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे इसको हम माइनस कर देंगे मैं साफ कर दे रहा हूं हमने क्या सीखा हमने एक टर्म लिखा एक्स एक लिया वाई और हमने आगे क्या सीखा डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम स्पीड होती है एक्स माइनस वाई कोई दिक्कत नहीं हुई यहां से आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि भैया एक्स इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू एंड वाई इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू बस समझ आ गया समझ आ गया यस yes? सबको अब चैलेंज क्या है आपको आइडेंटिफाई करना कि यार एग्जाम में या क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है एक्स पूछ रहा है वाई पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है क्या पूछ रहा है और इसके साथ एक अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखेंगे कौन सा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम चलो करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं जरा कैसे नहीं होते आपसे क्वेश्चन नंबर वन क्या है क्वेश्चन में अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम थर्टी टू किलोमीटर आराम से पढ़ना एक दो गलत करोगे कोई बात नहीं एक दो अगर आप गलत भी करोगे साथ में हम उसको सही कर लेंगे लेकिन आराम से करो एक आदमी है जा रहा है डाउन स्ट्रीम अब मुझे बताओ अगर भैया हमारे डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो क्या दिया हुआ यहां पे? डिस्टेंस दिया हुआ है किसका जब हमारे भैया डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं उसका डिस्टेंस दिया हुआ है थर्टी टू किलोमीटर लिख लेंगे फिर जब भैया हमारे अपस्ट्रीम जाते हैं तो उसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है 14 किलोमीटर मतलब दिया क्या है कि भैया हमारे यहाँ से गए नीचे गए पहले 32 किलोमीटर और फिर भैया हमारे यहाँ से ऊपर आए हैं 14 किलोमीटर ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और उसने क्या बोला है छः घंटे लगते हैं यानी अगर 32 जा रहे हो डाउन स्ट्रीम इसमें भी लगते हैं छः घंटे और अगर फोटीन अप आओगे इसमें भी लगते हैं छः घंटे आपसे पूछ रहा है ज़रा बताओ वेलासिटी ऑफ करेंट अब मुझे बताओ निकालना क्या है निकालना क्या है जल्दी क्या हमको वाई निकालना है क्या वाई निकालना है क्या यस ये लिख लिया करो निकालना क्या है बहुत इजी हो जाएगा तो वाई के बारे में हमको कुछ पता है ना कि यार वाई तो यार ऐसा कुछ होता था डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू लेकिन हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड नहीं है स्पीड नहीं है सर लेकिन क्या है हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है सर लेकिन स्पीड पता नहीं क्यों नहीं दिया उसने क्योंकि वो गधा नहीं है तुम गधे हो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करो बे बत्तीस जा रहा है डाउन स्ट्रीम टाइम मेरा छः घंटे तो बत्तीस बाई छ हो गई उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड अब स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई फोर्टीन बाई सिक्स खत्म रख दो इस पर थर्टी टू बाई सिक्स माइनस फोर्टीन बाई सिक्स बाई टू कितना कितना आएगा वन पॉइंट फाइव वेरी गुड समझ गए कोई बात नहीं ये नहीं हुआ गलत हुआ कोई बात नहीं आपने सीखा कैसे हमें क्या निकालना होता है उसको लिखना है और क्या कहां तक पहुंचना है ये पूरी जर्नी हम कैसे कवर करेंगे ये आपने देखा वेरी गुड आगे चलो जल्दी से जल्दी से बताएंगे ये अभी इजी है आपके ठीक है इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा भी आपका कह रहा है एक बोट है सबसे पहले लिखना पूछ क्या रहा है आपसे पहले हम लिखेंगे आपसे पूछ क्या रहा है एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम कवर कर रही डिस्टेंस डिस्टेंस दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड डायरेक्ट लिख सकते हो क्या यहीं पर लिख लिया भैया और कह रहा है सेम डिस्टेंस जब अप्रीम जाता है तो लेता है चार घंटे क्या आप डायरेक्ट अप स्ट्रीम स्पीड लिख सकते हो क्या फोर बस खत्म निकालना क्या है x एक्स निकालना है याद करो एक्स क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई टू खत्म एट फोर ट्वेल्व बाई टू सिक्स कोई दिक्कत हो इसमें लेकिन ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन लोगों से क्यों नहीं होता क्योंकि उनको पता ही नहीं पूछ क्या रहा है वाई पूछ, 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 पूछ रहा है एक्स पूछ रहा है डी पूछ रहा है यू पूछ रहा है बट एम श्योर आपको समझ में आया होगा आगे चलो अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा स्पीड ऑफ बोट स्टैंडिंग वाटर बोलो स्टिल वाटर बोलो मतलब क्या दिया हुआ है आपको एक्स दिया हुआ है एक्स ही है ठीक है उसके बस बोलने के अलग अलग तरीके हैं ठीक है नाइन किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वन पॉइंट फाइव क्या दिया हुआ है वाई दिया हुआ है ओके okay? क्या लिखा हुआ है एक आदमी है जो रो कर रहा है किसी प्लेस में वन जीरो फाइव जा रहा है और वापस आ रहा है आपको पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा जल्दी आपको पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा यार कर लो भाई कुछ तो करो अपने आप से। मैं तो बता ही दूंगा यहां पे, लेकिन एक बार सॉल्व तो करो कोशिश तो करो गलत होगा कोई बात नहीं देखो स्पीड ऑफ बोट स्टैंडिंग वाटर में भैया नाइन है और ये वाई दिया हुआ है ठीक है? आपसे पूछ रहा है एक आदमी रो कर रहा है किसी प्लेस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ वन जीरो फाइव डिस्टेंस दिया हुआ है वन जीरो फाइव जा रहा है और वन जीरो फाइव वापस आ रहा है बस खत्म निकाल दो क्या बचा इसमें कुछ बचाओ अरे गधो कुछ बचा नहीं बचा ना <laughs> देखो स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम हो गई टोटल डिस्टेंस है वन जीरो फाइव डिस्टेंस है भैया वन जीरो फाइव किलोमीटर अब अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वन जीरो कहां से लिखा मैंने कोई बताएगा यार अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है याद करो एक्स माइनस वाई एक्स है नाइन वाई है ठीक तो हमने ही निकाल लिया टाइम कितना लगेगा अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा यानी कि ये होगा हमारा फोर्टीन आर्स और टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम जाने में डिस्टेंस तो सेम ही है स्पीड कितनी होगी इस बार हम ऐड कर देंगे याद करो एक्स प्लस वाई करते हैं तो नाइन प्लस वन पॉइंट फाइव वेरी गुड कितना हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव तो ये कितना हो जाएगा गाइज टेन आर्स तो भैया फोर्टीन जाने के दस आने के टोटल टाइम पूछ रहा है फोर्टीन प्लस टेन होता है ट्वेंटी फोर कोई दिक्कत कोई दिक्कत हुई एक एक चीज यहां पे क्लियर हो गई अच्छे से वेरी गुड चलो जल्दी आता ही है भाई एक से दो क्वेश्चन आपके केवल और केवल बोट वाले ही आते हैं इसके बाद हम करेंगे ट्रेन वाले बोट भी खत्म आपका ट्रेन भी खत्म एक क्वेश्चन आता है चेजिंग वाला कि एक इतने बजे उठा इतने बजे भागा एक आएगा सर्कल में घूमने वाला सब करेंगे आधे घंटे और पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा और एग्जाम में भैया जो आपके चार पांच छह क्वेश्चन आते हैं ना इस टॉपिक के सब करके आओगे तुम बोट टेक्स नाइनटीन आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अब इसको बनाओ जरा कोशिश किया करो खेला करो भाई मैथ्स इज लाइक अ गेम क्या लिखा हुआ है कोई एक पॉइंट ए है बना लिया लो कह रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब पॉइंट भी नीचे होगा हमारा ढलान पे होगा कह रहा है ए से बी कोई बंदा जा रहा है ठीक है भैया भेज दिया हमने जाने में उसको लग रहा है उन्नीस घंटे डाउन स्ट्रीम ए से बी जाने में और एंड वापस सी आने में सी कहां पे है बीच में है जो क्वेश्चन में लिखा है मैं बस उसी को फॉलो कर रहा हूं सी हमारा बीच में है तो एज पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बंदा हमारा यहां से जा रहा है यहां और फिर वापस यहां तक आ रहा है बीच तक इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको लग रहे हैं उन्नीस घंटे आपको बताना है क्या डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई समझो अगर हमने मान लिया पूरे को कि यार ए से बी तक मान लिया हमने डिस्टेंस हमारा एक्स है तो मुझे बताओगे क्या कि बीस से सी तक कितना होगा सर अभी बीच में है एक्स बाई टू हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें नहीं ठीक है ऊपर और हमें दिया क्या है उसने हमें और क्या दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दी हुई है यानी कि वाई दी हुई है आपको कितनी फोर एक्स दिया हुआ है सब तो दे दिया भाई उसने अब ही क्या उसने सब दे रखा है ठीक है आप निकाल लोगे यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी एटीन ऐड करके और अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी माइनस करके टेन खत्म बस डायरेक्ट फार्मूला लगाना है अब तो, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है हमने क्या पढ़ा है टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही तो होता है ना और वो बोल क्या रहा है उन्नीस घंटे लगे हैं यहां से यहां आने में और फिर ऊपर आने में मतलब भैया ए से बी वो गया डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल किया करेगा कितना हमने मान लिया एक्स स्पीड कितनी है उसकी डाउन स्ट्रीम एटीन जब वो वापस आएगा कितना वापस आ रहा है एक्स बाई टू वापस आ रहा है अब उसकी स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम होगी क्योंकि अगर आप ढलान पे जा रहे हो जब वापस आओगे तो भैया ऊंचाई पे होगा ना वो अपस्ट्रीम होगी वो कितनी है टेन खत्म सॉल्व कर लो और ये बराबर आपको दिया हुआ था नाइनटीन इसको सॉल्व करेंगे गाइस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वन एटी वेरी गुड मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन में बस इतना था भैया एक बंदा ए से बी जा रहा है डाउन और फिर बी से सी बीच तक आ रहा है तो यार ये डाउन गया हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस है इसको उसने डाउन स्पीड से कवर किया लेकिन ये तो अब हो जाएगा ना वापस आते हुए ठीक है तो हमने पूरा एक्स माना और अगर बीच में है ये तो ये हो गया एक्स बाई टू स्पीड्स हमने निकाल लिए थे टाइम बर टोटल टाइम उसने दिया होता नाइनटीन एक टाइम जाने का हो गया एक टाइम वापस आने का हो गया खत्म सिंपल लॉजिक था लेकिन बेसिकली अरे ठीक है ए सी भी कुछ नहीं बट वन इटी आंसर ओके समझ में आ गया बढ़िया चलिए फिर आप करेंगे देंगे पी वाई क्यू और पी वाई क्यू इतना हलवा आया है ना मतलब इतना पढ़ने के बाद जब आप पी वाई क्यू देखोगे तो आपको लगेगा सर क्या ही आता है पी वाई क्यू मतलब अब होने लगेगा ठीक है परेशान मत हो हम्म <laughs> समझ में आ रहा ना यार ऊपर से तो नहीं आ रहा ना वेरी गुड अब यार ये कर लो ठीक है खुद से इसमें क्या था देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है बस हमें यही जर्नी तय करनी होती है ठीक है क्या दिया हुआ है हमारे पास एक बोट है थर्टी किलोमीटर जा रहा है अब स्ट्रीम चार घंटे में डायरेक्ट स्पीड लिखा करो अब स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी थर्टी बाई फोर ठीक और ट्रेवल कर रहा है सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दो घंटे में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी थर्टी बाई टू यानी फिफ्टीन कह रहा है व्हाट विल द स्पीड ऑफ द बोट एक्स और वाई निकालना है डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई एक्स होता है डी प्लस यू बाई टू और वाई होता है डी माइनस यू बाई टू बताने की जरूरत है क्या यह आपके एफकेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ठीक है, चलो एक और एक और शिफ्ट में हमारा ये क्वेश्चन था एक बोट लेती है सेम टाइम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो कि बराबर है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में दोनों में सेम टाइम लग रहा है ठीक है आपको बताना है अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा 15 है तो टाइम कितना ले रही है हमारी बोट एक तरफ जाने में अच्छा क्वेश्चन है ट्राई करो डरो मत प्लीज ट्राई क्योंकि ट्राई नहीं करोगे यार तो फिर छोड़ के ही आओगे देखो तुम लोग मेहनत करते हो ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते हो करते हो मेहनत लेकिन वो लास्ट में जो पुश की जरूरत पड़ती है ना अब यहाँ पे आपका रिजल्ट रखा हुआ है तुम यहाँ से चढ़ रहे हो बहुत मेहनत किया बहुत मेहनत क्या किया क्या क्या किया चढ़ गए यहाँ पे और यहाँ चढ़ के खुश हो गए अरे यार इतनी चढ़ाई चढ़ ली लेकिन ये बहुत आगे है भाई अभी समझ रहे हो तो अगर आप अब आगे नहीं चलोगे ना तो जितना चढ़ के अभी आए हो जितनी मेहनत करते हो ये सब वेस्ट है समझ पा रहे हो ऑल दीज आर वेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ना अगर इतने एफर्ट पुट इन किए हैं तो बीस दिन और कर लो थोड़ा सा और पुश कर लो बताओ क्या होगा क्या होगा भाई जल्दी 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 अच्छा क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है भाई सब सब कुछ दिया हुआ है एंड गाइस डू लाइक द सेशन जो लोग हैं यहां पे देखो एक बोट है लेती है सेम टाइम ठीक टाइम सेम लेती है अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में और डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में हमारे पास एक्स दिया हुआ है पंद्रह सॉरी वाई दिया हुआ है फिफ्टीन दिया हुआ है एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता ठीक और क्या पूछ रहा है हमसे हमसे टाइम पूछ रहा है वो इट इज आस्किंग टाइम वेरी गुड जिसका टू थर्ड आ रहा है वेरी गुड देखो पहले मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी क्या मैं लिख सकता हूं क्या X प्लस फिफ्टीन लिख सकता हूं वेरी गुड अब स्ट्रीम क्या मैं लिख सकता हूं क्या X माइनस फिफ्टीन कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें लिखने में ठीक है बस एज पर क्वेश्चन क्या है जितना टाइम आपको लगता है आप स्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर उतना ही लगता है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में यानी जो टाइम हमको लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में वही टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम आने में और टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितना था आप स्ट्रीम जाने में फोर्टी अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है ये देखो एक्स माइनस उल्टा एक जगह मैंने उल्टा लिखा कर कहीं पे एक मिनट बहुत ट्रेवल फोर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम। स्ट्रीम ये डिस्टेंस हो गया ये स्पीड हो गई ठीक है सही है। ये बराबर होगा सिक्सटी अपॉन एक्स प्लस फिफ्टी बस समझ गए यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी ये हो जाएगा फोर्टी सिक्सटी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये तुम सॉल्व कर लो ठीक है सेवेंटी फाइव वाई तो x हो गया सेवेंटी फाइव अब भैया हमको मिल गया x हमको मिल गया वाई उसने पूछा गया था टाइम कितना लगेगा बोर्ड को जाने में एक साइड कोई भी उठा लो चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो चाहे उठा लो किसी में रख दो किसी में रख दो भाई चाहे आप 40 में रख दोगे 40 अपॉन 75 फाइव माइनस फिफ्टीन रखोगे तब भी वही आंसर आएगा चाहे आप 60 अपॉन 75 फाइव प्लस फिफ्टीन रखोगे तब भी वही आंसर आएगा और आंसर आएगा टू थर्ड, ओके okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन था बस अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओ तो और कैसे समझना है वो चीजें गाइज हमने अभी देखी है भाई डरो मत कर लोगे लास्ट क्वेश्चन इसका उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेन बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन है ये सही होना ही चाहिए हर हाल में दो या एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई कर लो जल्दी बताएंगे द स्विमिंग स्पीड ऑफ अ पर्सन इन स्टिल वाटर इज सिक्स देखो मैथ्स से सब डरते हो आई नो मैथ्स में अभी यही जी एस पढ़ा रहा होता है ना तो यहाँ पे होते हैं बारह हो सौ लोग लेकिन क्योंकि मैथ्स है सर मैथ्स और मेहनत लगती है और जाना आर्मी में सबको है तुमको ऐसा लग रहा है कि आर्मी में जाके लाइफ बहुत आसान होगी और मुश्किल हो जाएगी भाई तो अगर अभी मैथ्स पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो फिर दिक्कत है सर ठीक है सिंपल सी बात है चलिए अब देखो मैथ्स को मैं इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता भाई इससे ज़्यादा जी में है चलो हमने जोक्स क्रैक कर लिए कुछ चीज़ें और कर लिए उसमें तो आपको पढ़ाई के साथ वो चीज़ें हो गई लेकिन मैथ्स में क्या ही करूँ भाई मैं <laughs> मैथ्स में मैं क्या ही करूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा तो फिर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं चलो हो गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारा नहीं बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन डेढ़ घंटे हो गए पढ़ाते बस एक घंटे में ना पता ही नहीं लगा यार चलो लिखा हुआ है क्या स्विमिंग स्पीड ऑफ अ पर्सन इज स्टिल वाटर इज इतना भैया क्या दिया हुआ है हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है ना किसी को दिक्कत नहीं वाई क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ ठीक है

तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए होते मतलब क्या है इस बीस की जगह अगर पच्चीस मिनट करते वो अप स्ट्रीम तो ये बराबर हो जाता जहां पे वो खड़े हुए हैं हमारे जितना टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम जाने में तो ये पच्चीस पहले इसको चेंज कर लो सिक्स डिवाइड करके ठीक है और हमारी ये स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम सिक्स माइनस तो वाई ये बराबर हो जाती किसके जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसके समझ में आया ये समझ में आया आई रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन में क्या था एक भाई साहब इस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं वो बीस मिनट तक स्विमिंग करते हैं अप स्ट्रीम ठीक है भैया बीस मिनट स्विम कर रहे हैं बीस पहले हमने मिनट को चेंज कर दिया आर में क्योंकि हमको ऑप्शन देख रहे हैं आर में तो ट्वेंटी को हमने सिक्सटी से डिवाइड करना था लेकिन उसने क्या बोला अगर पांच मिनट और तैरा दो इनको तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों एक जगह पे आ जाएंगे तो पांच मिनट हमने और तरा दिया बीस को हमने पच्चीस बना दिया सिक्स से डिवाइड कर दिया और ये तो स्पीड आपको पता ही थी ये अप स्ट्रीम स्पीड है ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है समझ गए सॉल्व कर लोगे इसको हो जाएगा इसको आप सॉल्व कर लोगे गाइस आंसर हमको मिल जाएगी जो हमको निकालना था वाई और वाई क्या आएगा वेरी गुड क्लियर है ना बढ़िया गुड चलो अब हम पढ़ेंगे गाइस ट्रेन ट्रेन पढ़ेंगे बहुत ही कम बचा हुआ है उसके बाद जो हमारे ये दो तो क्वेश्चन होते हैं ना सर्कल वाले और बस खत्म है बस ख़त्म है ठीक है तो ट्रेन बहुत ही इजी बहुत ही इजी है यार इतना कुछ है ही नहीं ट्रेन में लेकिन हम इसमें थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी करेंगे और ईजी वाले भी करेंगे तो बस पंद्रह मिनट और है आपका पंद्रह मिनट में इस पूरा टॉपिक एग्जाम में आपसे पाँच छः जितने भी क्वेश्चन आएंगे ट्रस्ट मी सब कर लोगे अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेन में बस इतना सीख लो जो अभी तक हमने सीखा था ना कि स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर को हम कैसे करते हैं ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए ट्रेन में बस एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है वो है रिलेटिव स्पीड का ज़रा देख लेंगे क्या होता है रिलेटिव स्पीड बहुत सुना होगा आप लोगों ने और आप मुझे खुद बताओगे सर ऐसा ही तो होगा इसमें रखना क्या है अब मान लो मान लो तुम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो ऐसे तुम अपनी गाड़ी लेके ऐसे जा रहे हो और पिंकी जी आप गाड़ी लेके ऐसे आ रही हैं, यह है पहला केस ठीक दूसरा केस क्या है हमारा आप अपनी गाड़ी लेके ऐसे जा रहे हो और पिंकी जी भी अपनी गाड़ी लेके ऐसे जा रही हैं मुझे बताओ किस केस में रिलेटिव स्पीड ज्यादा होगी पहले में दूसरे में स्पीड किस में ज्यादा होगी जल्दी बताएंगे स्पीड हमारी किस में ज्यादा होगी किस केस में अरे यार सिंपल है अगर तुम इधर जा रहे हो दीदी इधर जा रही हैं तो एक दूसरे को देख ही नहीं पाओगे पास कर जाओगे तो यहां तेज चलाओगे ना गाड़ी लेकिन यहां पे जब बगल में दिखेगा तो फिर वही गाना बजेगा प्यारे की कौन सा गाना था वो मैन बी मैन वाला <laughs> समझ गए लॉजिक क्या है कि अगर इस बंदे की स्पीड एक्स है इसकी वाई है यानी कि अगर दो बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो यहां पे स्पीड ज्यादा होगी मतलब ऐड कर दो एक्स प्लस वाई बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड कम होगी इसलिए यहां पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस वाई याद रहेगा बस खत्म खत्म तो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो माइनस करेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ऐड करेंगे और ये बेसिकली किसका है यहां पे हम ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बातें होंगी ठीक है चलो बाकी वही सब कुछ है वही सब कुछ है अगर कोई ट्रेन है भैया किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस कब कर पाएगी जब ट्रेन हमारी ये वाली ट्रेन यहां पर खड़ी होगी तब हम बोलेंगे ना उसने क्रॉस कर लिया तो मतलब अगर इस ट्रेन के लेंथ टी वन है इस ट्रेन के अंदर टी टू है तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी पूरा जितने वो खुद लंबी है वो और जितनी वो ट्रेन है या प्लेटफॉर्म है वो तो टोटल डिस्टेंस दोनों का एडिशन करके आएगा बस ये लॉजिक याद रखेंगे और कुछ नहीं ओके वेरी गुड अभी आएगा ठीक है ये रिवाइज होगा आपका जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बार बार रिपीट होगा कुछ नहीं है भाई रहा हूं सबसे टॉपिक आपका होता है ट्रेन वाले क्वेश्चन ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है है एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, जिसकी लेंथ हाफ है भैया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं अभी हमने सीखा कि अगर अपोजिट में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा एक की स्पीड 42 है एक की 48 है टाइम 12 सेकंड है कुछ दूर जाके ये ट्रेन हमारी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है फोर्टी फाइव सेकेंड में आपको बताना है प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है देखने में बस खतरनाक लग रहा है है कुछ नहीं है ठीक है बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है भाई अभी जब पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे देखो बहुत आराम से एक एक स्टेप वाले करेंगे ठीक है एक एक स्टेप से करेंगे आप खुद मुझे बताओगे एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 48 की स्पीड से क्या ये स्पीड है क्या हाँ सर स्पीड लग रहा है दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ हाफ है पहले वाली ट्रेन से तो हमने मान लिया जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ हम कितनी मान लें एक्स मान ले क्या मान लिया तो भैया सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी एक्स बाई टू हो जाएगी क्या हाँ सर हो जाएगी कोई दिक्कत इसमें नहीं ना ठीक है आगे और उसने क्या लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी एक ट्रेन हमारी इधर जा रही है एक ट्रेन हमारी इधर आ रही है इसका मतलब क्या हुआ जो रिलेटिव स्पीड होगी उसको हम ऐड कर देंगे तो 42 और 48 को आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 90 किलोमीटर पर आर ठीक है अब भैया ये किलोमीटर पर आर में है ऑप्शन आपके मीटर में है इसको चेंज कर लो यार मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज होगा से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर रिलेटिव स्पीड हो गई गई हमको हमको मिल दोनों की डिस्टेंस पता है यहां तक किसी को दिक्कत हुई क्या डर रहे हो जो नहीं हुई चलो आगे अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बारह सेकेंड में क्रॉस करते हैं दूसरे को अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है या दूसरे टनल को क्रॉस कर रही है तो दोनों की हम डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो एक थी भैया हमारी x, दूसरी x प्लस टू एक्स बाई टू एड कर दो टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया x प्लस एक्स बाई टू कोई दिक्कत नहीं स्पीड 25 मिल आई हुआ है टाइम दिया हुआ है 12। कदम यहां से हमको मिल जाएगा दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी लेंथ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ये हो गया टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स बाई टू थ्री एक्स बाई फिफ्टी सिक्स हंड्रेड कितना आएगा टू हंड्रेड यहां तक क्लियर है कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है केवल लेंथ ही तो भैया पहली वाली ट्रेन की लेंथ दो सौ है और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी सौ क्योंकि वो हाफ है यहां तक समझ में आया है लेकिन उसने क्वेश्चन में कुछ और पूछा है आपसे रेलवे प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा है उसने एक लेयर और बढ़ा दिया क्वेश्चन में क्या बढ़ाया कि यार जो पहली ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है पैतालीस सेकंड में हमको पता है यार अगर वो 200 मीटर की है प्लेटफॉर्म का लेंथ हमने टी मान लिया टाइम लेती है फोर्टी फाइव उसकी स्पीड हमको पता है खत्म कितना आएगा कर लोगे ना अब कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना दिक्कत बढ़िया कितना आ रहा आंसर आंसर कितना आ रहा है शाबाश फोर हंड्रेड ठीक तो ये बस एक आपको समझना था कैसे करना होता है बहुत इजी क्वेश्चन है भाई बहुत प्यार से बस समझते चले जाओ स्टार्टिंग से हमने समझा आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है हमने एक्स मान लिया दूसरे ट्रेन का हाफ हो गया रिलेटिव स्पीड हमने निकाल ली उनकी ये फार्मूला यूज करके हमने दोनों ट्रेन की लेंथ निकाल ली खत्म उसके बाद अगर दोनों ट्रेन की लेंथ निकाल ली भैया तो उसका ये आपसे पूछ रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है पैंतालीस सेकंड में अगर भैया ये 200 की है वो सात है 45 सेकंड में क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड आपको पता ही है खत्म ये है इसको चेंज करके रख लो ठीक है वेरी गुड चलिए अरे इसको चेंज कर लो ना अब केवल हम फोर्टी ये यूज करेंगे बाकी यूज नहीं करेंगे शाबाश चलो आगे अरे शॉर्ट मेथड क्या बताऊं भाई शॉर्ट ही है यार ये तो चलो सेम है वैसे ही है। वैसा ही है अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत हुई समझ में नहीं आया तो यहां कर लेंगे ठीक है लेकिन पूरा लॉजिक सेम है लॉजिक वही है प्लेटफॉर्म की लेंथ कैसे निकाल अरे तुम्हारे तो पास डिस्टेंस है भैया ट्रेन का प्लेटफॉर्म उसमें ऐड कर लिया टी के नीचे उसकी स्पीड है ट्रेन की और टाइम दिया हुआ है एक ही चीज तो मिसिंग था वही निकाल लिया ठीक चलो ये बताओ हम्म <laughs> <laughs> hmm. करा रहा है। कोई नहीं अगर कुछ डाउट है उसमें समझ नहीं आया है तो यहां पे आपकी वो चीज रिवाइज हो जाएगी ठीक है देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है एक ट्रेन है जो पास कर रही है लैम्प पोस्ट को किसी प्लेटफॉर्म पे सात सेकंड में ओके और पास कर रही है एक प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली 28 सेकंड में अगर लेंथ है प्लेटफॉर्म की तीन आपको बताना है ट्रेन की लेंथ कितनी होगी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है नहीं कर पा रहे हो यार तो सिंपल है क्वेश्चन है भाई देखो समझ लो ट्रेन भैया पास करती है लैंप पोस्ट को सात सेकंड में ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं चलो एक्स दोबारा समझा रहा हूं समझ लो इस बार दोबारा समझा रहा हूं भाई समझ लो लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है ठीक है देख लो ट्रेन की लेंथ हमने मान ली टी कोई दिक्कत नहीं समझ लो अब क्या दिया हुआ है एक लैम्प पोस्ट को क्रॉस कर रही ट्रेन सेवन सेकंड में तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड और ट्रेन अगर हम एस मान लें तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई भैया टी बाई सेवन कोई दिक्कत कोई दिक्कत हुई इसमें नहीं बढ़िया टी बाई सेवन हो गया दूसरे केस में क्या बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली क्रॉस करती है अट्ठाईस की लेंथ हमने मानी थी की लेंथ हमको दी हुई थ्री नाइनटी जो हम लास्ट क्वेश्चन में लास्ट स्टेप था आपका यही था ट्रेन की लेंथ टी है प्लेटफॉर्म है थ्री नाइनटी यह डिस्टेंस हो गया भाई वही फॉर्मूला तो है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही फॉर्मूला तो हम यूज कर रहे हैं यहां पर डिस्टेंस में हमने क्या यूज किया टी प्लस थ्री नाइनटी क्योंकि क्योंकि तो टी है ट्रेन की लेंथ थ्री है हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ इसको क्रॉस कर रही है तो टी प्लस थ्री नाइनटी डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा जो आपका टाइम दिया हुआ अट्ठाइस ये भी तो हमारी स्पीड ही है ट्रेन की समझ में आया समझ में आया है नहीं आया ये बताओ बढ़िया चलो तो यार स्पीड तो बराबर होगी ना स्पीड अब एक गधो जो कर रहे हैं पहले वो तो कर लो यार वही सेम चीज है कैसे मैं तुमको लिखना तो स्टार्ट करो भाई पेन उठाओगे अच्छा इसमें क्या समझते हैं यार मुझे बताओ ट्रेन की लेंथ टी नहीं मान सकते स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पहली बार सुन रहे हो नहीं ना तो स्पीड बराबर ट्रेन की हम टी आनी है यार और ये सेवन दिया हुआ है टाइम तो भैया ये लिख सकते हैं ना और प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ लेंथ होगी ना यार प्लेटफॉर्म लेंथ नाइनटी है ट्रेन की लेंथ टी है एड कर दिया टोटल डिस्टेंस टाइम यहां पर आपको दिया हुआ है ट्वेंटी सेकंड स्पीड तो बराबर होगी ना तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एक ही फॉर्मूला है भाई बस एक फॉर्मूला यूज किया है समझने की कोशिश करोगे पेन यूज करोगे आ जाएगा समझ कुछ नहीं है ये ओके okay? चलो अब यहां से आपको क्या निकालना था टी ही तो निकालना था कदम अब इसको कर लोगे सॉल्व इसको भी करो सॉल्व कुछ तो कर लो भाई खुद से सॉल्व लास्ट स्टेप कर लिया करो यार यहां तक आने के बाद लास्ट स्टेप कर लिया करो भाई ठीक लैम्प पोस्ट क्रॉस करना एग्जैक्टली exactly, देखो लैम्प पोस्ट की कुछ लेंथ नहीं होगी ना यार लैंप पोस्ट आपका ऐसे खड़ा हुआ है तो इसकी कोई लेंथ है नहीं इसके कोई ब्रथ है नहीं ठीक है तो वहां पे हम केवल ट्रेन की लेंथ करेंगे कंसीडर कभी कभी आपको क्वेश्चन में देगा एक आदमी को क्रॉस कर रही है एक लैंप पोस्ट को कर रही है किसी पोल को कर रही है वहां पे हम केवल और केवल गाइस लेंगे ट्रेन की लेंथ लेकिन अगर प्लेटफॉर्म हो गया हमारा कोई मतलब कोई चीज़ ऐसी जिसकी लेंथ हो प्लेटफॉर्म हो गया आपका टनल हो गया ठीक है वहां पे हम दोनों का लेंगे। अभी क्लियर है सबको एक तरफ से कोई बात नहीं तो यार सिंपल एक ही फॉर्मूला है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बस भाई और कुछ यूज नहीं हुआ है। वही यूज हो रहा है बार बार आंसर बताओगे इसका मैं और सॉल्व करूं लास्ट स्टेप कर लिया करो यार सिंपल है ये कैलकुलेशन बचता हुआ लास्ट में क्या इतना आ रहा है वेरी <laughs> गुड चलो आगे यह है आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपका है ट्वेंटी ट्वेंटी प्लेटफॉर्म ऑफ नाइनटी मीटर लॉन्ग इन थर्टी सेकेंड और एक आदमी खड़ा यहां पे आदमी खड़ा हुआ है तुमको लगता है क्या आदमी की लेंथ होगी इतना भी कोई मोटा नहीं होगा कि उसकी लेंथ हो गई ठीक है तो लेंथ वगैरह यार हम मानते हैं उनकी कुलना की इतनी कहानी होती है कि यार हमको चाहिए होता है डिस्टेंस ठीक है कि कोई ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो एक तो भैया खुद ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ होती है एक तो खुद ट्रेन की लेंथ होती है दूसरी जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी जब वो टनल क्रॉस करेगी तो उनकी भी लेंथ होती है तो दोनों की लेंथ को हम ऐड कर देते हैं डिस्टेंस में लेकिन जब मैन की बात करें पोल की बात करें पिलर की बात करें तो इनका कोई लेंथ नहीं होती ना तो वहां पर हम केवल और केवल ट्रेन की लेंथ लेंगे बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बढ़िया चलो तो वही सिंपल है यार ये कर सकते हो आप एक ट्रेन है जो पास करती है प्लेटफॉर्म से नब्बे मीटर लॉन्ग है ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दी हुई है नाइनटी ठीक है ट्रेन की लेंथ हमने मान ली टी तो डिस्टेंस कितना हो गया ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ओके स्पीड नहीं पता हमको स्पीड हमने मान ली टी एक्स मान लो चलो इतना ही तो होगा ना यार डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये तो, तो, होता है टाइम और टाइम दिया होता है आपको थर्टी सेकेंड अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना ये बार बार फॉर्मूला की जरूरत है क्या आप अभी तक कम से कम कर लिए होंगे क्वेश्चन बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या नहीं है ना बढ़िया ये लिख लिया हमने यहां से हमको क्या मिल गया यहां से हमको मिल गया कि ट्रेन की लेंथ बराबर हम कर सकते हैं थर्टी एक्स प्लस नाइनटी ये एक रिलेशन मिल गया ट्रेन की लेंथ में और उनकी स्पीड में ठीक इसको संभाल के रखेंगे आगे क्या बोल रहा है वो भैया क्रॉस करती है एक आदमी को भी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है पंद्रह सेकंड में अब मुझे बताओ अभी सिखाया मैंने आपको क्या उस आदमी की कोई लेंथ होगी क्या नहीं इस बार हम केवल और केवल ट्रेन की लेंथ करेंगे कंसीडर तो ट्रेन की लेंथ टी थी ट्रेन की स्पीड एक्स थी और दिया हुआ है पंद्रह में करेगी क्रॉस तो यहां से हमको क्या मिल गया टी बराबर फिफ्टीन एक्स एक रिलेशन ये मिल गया निकालना क्या था हमको एक्स ही निकालना है तो टी की जगह फिफ्टीन एक्स आप यहां पे रख देंगे पहले टी निकाल देंगे और फिर एक्स निकाल देंगे कर लोगे ना भैया इसको बताओ इसको भी तो टी की जगह पंद्रह एक्स रखोगे तो यहां आ जाएगा आपका कितना कितना आएगा अरे एक्स आ जाएगा सिक्स देख रहा है आपको डायरेक्ट एक्स आ गया सिक्स स्पीड निकालने को बोल रहा है इजी सभी का हुआ एक तरफ से सभी का हुआ है ना एक तरफ से बढ़िया तो सिक्स आएगा सांसर बस इसको इसमें पुट इन कर दो टी की वैल्यू पर निकाल लो उसके बाद एक्स क्लियर निकाल लो या फिर सिंपली एक्स की जगह निकालना क्या था हमको एक मिनट निकालना था हमको स्पीड ना ठीक है हाँ तो बस टी रख दो आ जाएगा आंसर चलिए ये पी वाई क्यूज हैं आपके गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस तीन चार क्वेश्चन और है तीन चार क्वेश्चन गाइज और हैं बस खत्म और जब खत्म होगा ना सेशन तो फिर आएगा आपको मज़ा <laughs> बहुत ईजी है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये कहना दो ट्रेन है ए और बी स्टार्ट हुए किसी पॉइंट से और पेंडिकुलर रन कर रहा है इतना प्यारा क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन है ये लेकिन इसको देख के हालत खराब हो जाएगी सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं सर पड़ाटिकुलर क्या होता है पता नहीं सर इसलिए मैं बोलता डायरेक्ट कर सकते हैं शिवानी लेकिन मुझे समझाना है पे ना तो मैं आराम मैं आराम समझाऊंगा इसलिए गाइस क्या बोलता हूं भैया कि यार कोशिश करेंगे समझने की कि इंग्लिश में लिखा क्या है उस इंग्लिश को अगर आपने कन्वर्ट कर लिया ना ट्रस्ट मी भाई मजा ही आ जाएगा तुमको फिर तो अगर आपने कन्वर्ट कर लिया ना मजा ही आ जाएगा बताइए सर बताइए जरा वेरी गुड वेरी गुड देखो क्वेश्चन में एक बोल क्या रहा है समझेंगे दो ट्रेन है ए और बी स्टार्ट होती है किसी एक पॉइंट से ये हमने ले लिया पॉइंट यही तो लिखा हुआ है एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है पपेंडी रन कर रही है मतलब क्या हुआ एक ट्रेन अगर इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन हमारी इधर जा रही है 90 डिग्री जा रही हैं दोनों ये लिखा हुआ है स्पीड ए की है 1.5 लिख दिया हमने बी की है 2 क्या दिया हुआ है कितना होगा दोनों में डिस्टेंस दो घंटे के बाद तो मुझे बताओ अगर इस बंदे की इस ट्रेन की स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आर है एक घंटे में 1.5 किलोमीटर जाती है तो दो घंटे में क्या गया? थ्री जाएगी क्या जाएगी लिख सकते हैं क्या वेरी गुड और अगर ये ट्रेन एक घंटे में दो जाती है तो दो घंटे में क्या ये फोर जाएगी क्या लिख सकते हैं क्या वेरी गुड ये आ गया कितना इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया अब ये पाइथागोरस लगा दो ये होगा इनके बीच में डिस्टेंस जो कि होता है फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर जो कि आएगा हमारा फाइव अच्छा था क्वेश्चन मजा आया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डरो मत ठीक है क्या लिखा है उसको मेक श्योर sure आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिखो और बस सॉल्व कर लो बहुत ईजी है चलिए अब ये कर लोगे भाई वही सेम कहानी है इसका स्क्रीन ले लो करके मुझे नीचे कमेंट में बता देना आंसर ठीक है बिल्कुल सेम है बिल्कुल ही सेम है ये भी वही है दोनों का आंसर मुझे नीचे बता देना ठीक है ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी और इसका भी दोनों का आंसर मुझे बता देना अब हम बात करेंगे एक अच्छे क्वेश्चन की उसके बाद हम चलेंगे फिर चेजिंग वाले पे बस दो तीन क्वेश्चन और हैं आपके इसके बाद चलो ये करो ये करो ये स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज फोर्टी परसेंट मोर देन द स्पीड ऑफ अ कार दोनों अगर स्टार्ट हुई है पॉइंट पी से ओके और पहुंच गई है पॉइंट क्यू पे कर लो इसको ट्राई ठीक है जैसा लिखा हुआ उसको फॉलो कर लो ट्रस्ट मी हो जाएगा इतना कुछ टफ नहीं है पीअर क्यों दो सौ अस्सी किलोमीटर दूर है ऑन द वे ट्रेन स्टॉप हुई फॉर सिक्सटी मिनट एक स्टेशन पे आपको बताना है स्पीड कितनी है बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एंड गाइज डू लाइक द सेशन जो लोग हैं यहाँ पे कल हम कोशिश करेंगे कुछ करने का वैसे कल भी गया था जी के जो पढ़ा था मेक श्योर sure उसको रिवाइज़ करते रहो भाई नोट्स बना के उसको रिवाइज़ करते रहो नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम तक एग्ज़ाम तक आप उसी को रिवाइज़ करते रहेंगे सेशन्स में क्योंकि तो जी के जो आपने हमने किया ना एक करंट अफेयर वाली क्लास की होगी उसमें भी हमने स्टैटिक पढ़ा था एक हमने हिस्ट्री की क्लास की एक हमने पूरा स्पोर्ट्स वाली क्लास की है एक हमने कल की पचास क्वेश्चन वाली तो आपकी चार पाँच क्लास हो गई हैं तो भैया एनफ मटीरियल है आपके पास रिवाइज़ करने के लिए करो उसको रिवाइज और इसका आंसर बताएंगे जल्दी से आज भी हार गया क्या मैच क्या बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार नहीं आज जीतने का चांस अच्छा है <laughs> हो कथा में कहानी कथा में भाई कहानी चलिए बताइए आंसर बताइए क्या होगा आंसर कर नहीं रहे हो ना अच्छा सही बताना कर नहीं रहे हो ना मैच मैच बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ना कर लो भाई तुम्हारा ही भला हो जाएगा आई नो थक गए होगे बस तीन या चार क्वेश्चन और हैं लास्ट के लास्ट के तीन चार क्वेश्चन गाइज और हैं कर लो इसको देखो स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो जो लिखा है बस उसको फॉलो करते चले जाओ कैसे क्वेश्चन नहीं होगा भाई कैसे नहीं होगा लिखा हुआ है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 40 परसेंट ज्यादा है स्पीड ऑफ कार से क्या हम कार की स्पीड एक्स मान ले क्या मन हो रहा है बहुत ज्यादा मान लिया ठीक है क्या हम ट्रेन की स्पीड फिर बोल सकते हैं क्या कि उसकी वन फोर्टी परसेंट होगी बोल सकते हैं वेरी गुड अरे तुम सिंपली चालीस परसेंट करके ऐड कर देना भाई नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कैसे <laughs> ये आएगा आपका सेवन एक्स बाई फाइव तो कार की स्पीड अगर एक्स होगी तो ट्रेन की स्पीड सेवन एक्स बाई फाइव होगी कोई दिक्कत इसमें नहीं अब क्या लिखा हुआ है दोनों स्टार्ट हुई है पी से ही। पॉइंट पी है जहां से हमारी गाइज दोनों हुई है स्टार्ट और पॉइंट क्यू पे पहुंची है एट द सेम टाइम ध्यान रखेंगे यानी कि ये एक्स स्पीड से भी पहुंच गई है उसी जगह पे और ये सेवन एक्स फाइव से भी पहुंची है उसी जगह पे ठीक आगे क्या लिखा हुआ है पी एन क्यू आर टू एटी किलोमीटर अपार्ट पी और क्यू जहां ये गए हैं अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा टफ है बट कोई बात नहीं दोनों दो अस्सी किलोमीटर दूर है ओके okay. आपसे पूछ क्या रहा है ऑन द वे ट्रेन एक घंटे रुकी भी थी स्पीड क्या है ट्रेन की <laughs> नहीं कर पाए देखो मुझे बताओ पहले कार ने कितना टाइम लिया होगा कवर करने में 280 किलोमीटर एक एक स्टेप करते हैं ठीक है एक एक स्टेप करते हैं कार ने 280 किलोमीटर कवर करने में गाइस कितना लिया होगा टाइम क्या मैं बोल सकता हूं क्या 280 एटी बाई एक्स बोल सकता हूं अगर हमने x मानी थी स्पीड कार की तो कार ने 280 एटी बाई एक्स टाइम लिया होगा ओके okay. ट्रेन ने कितना लिया होगा ट्रेन ने कितना लिया होगा बोल सकते हैं क्या 280 एटी बाई डिस्टेंस टू था स्पीड है 7x एक्स बाई फाइव सेवन एक्स प्लस वन वन प्लस क्यों करेंगे एक घंटे चाय नाश्ता भी तो किया है साठ मिनट खड़े हो गए साठ मिनट खड़े होके चाय नाश्ता भी तो किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भैया कि ये टाइम और ये टाइम सेम है ये लिखा हुआ है दोनों सेम टाइम पे पहुंची हैं इक्वेट कर दो खत्म यहाँ मेरे कर रहा हूं इक्वेट कर दो भाई यानी कि टू एटी बाई एक्स बराबर है किसके ये ऊपर चला जाएगा हमारा फाइव ये हो जाएगा ऊपर फोर्टीन हंड्रेड बाय सेवन एक्स प्लस वन के इसको सॉल्व करोगे यहां से आपको मिल जाएगी एक्स की वैल्यू जो कि कितनी आएगी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी गधो बनाया नहीं ना क्वेश्चन है डर गए ना हाँ <laughs> समझ लो अच्छा चलो एक्स का वैल्यू कितनी आएगी गुड एटी किलोमीटर पर मैं रिपीट कर दूंगा कोई बात नहीं रिपीट कर दूंगा परेशान मत हो एटी आ गई एक्स की वैल्यू एक्स था क्या एक्स कार की स्पीड थी भाई ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है ट्रेन की स्पीड ये थी रख दो इसमें खत्म तो मैं आपको इजी क्वेश्चन भी कराए हैं टफ भी करा रहा हूं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन में क्या था यार एक ट्रेन की स्पीड ना फोर्टी परसेंट ज्यादा है कार की स्पीड से हमारा मन हुआ कार की स्पीड एक्स मानने का मान लिया ट्रेन की स्पीड उससे फोर्टी परसेंट ज्यादा होगी मतलब सेवन एक्स बाई फाइव होगी कैसे आया ये x में भैया इसी का हमने 140 परसेंट निकाल लिया आप चाहो तो भैया इसका 40 परसेंट निकाल के ऐड भी कर देना ठीक है तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी मर्जी है बाद तुमको में तुमको ऐड करना पड़ता यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया x में बाद में तुमको ऐड भी करना पड़ता बस यहाँ पे डायरेक्ट आ गया सेवन एक्स बाई फाइव अब क्वेश्चन में क्या था कि भैया जो दोनों टाइम ले रहे हैं हमने देखा टाइम कितने ले रहे हैं ये भाई साहब इतना टाइम ले रहे हैं और ये भाई साहब इतना टाइम ले रहे हैं दोनों कह रहा बराबर हैं कर दिया इक्वेट का खत्म यश yes, जो भी तुम्हारा नाम है थॉट्स एरिना राइट वैसे भी हो जाएगा चलो अब हम बात करेंगे चेजिंग वाली लास्ट फोर क्वेश्चंस बस चार हैं करके जाएंगे पूरा पूरा करके जाएंगे एंड उसके बाद पांच से छह क्वेश्चन एफकेट में जब आएंगे ना और इसको प्लीज़ याद रखना भाई रिवाइज करके वरना कुछ मतलब नहीं है करने का भी कुछ नहीं है बेसिकली मैंने बेसिक से एडवांस लेवल सब कुछ किया है हमने बस वही फॉर्मुलेस हैं वही सब कुछ है वही पूरा लॉजिक है ओके चलो अ मैन स्टार्ट रनिंग बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक आदमी है उसने रनिंग करना स्टार्ट किया किसी एक पॉइंट से कितने बजे ग्यारह बजे कहानी है बिल्कुल ये ग्यारह बजे हमारा एक बंदा क्या करता है रनिंग करना स्टार्ट करता है विद दिस स्पीड टेन किलोमीटर पर आर स्पीड से ग्यारह बजे से रनिंग करना स्टार्ट करता है दो घंटे दौड़ता है और उसके बाद एक घंटे का रेस्ट लेता है दो घंटे दौड़ता है और एक घंटे का लेता है रेस्ट बताओ तो उसने ट्रेवल कितना किया ऐसा वो करता रहा कब तक जब तक वो पकड़ा नहीं गया बाय अनदर मैन हुट टू पी फ्रॉम पॉइंट पी और रनस नॉन स्टॉप एट दिस स्पीड यार इसको आप ना लॉजिक लगा के कर सकते हो और कुछ नहीं इसमें ठीक है लॉजिक लगा के कर सकते हो भाई और कुछ है ही नहीं इसमें देखो मुझे बताओ अगर 11 बजे उसने स्टार्ट किया है 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो तीन घंटे में यानी कि 11 एम से 2 पीएम तक कितना ट्रेवल किया होगा उसने तीन घंटे में क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि तीन घंटे में उसने ट्रेवल किया होगा ट्वेंटी किलोमीटर लिख सकता हूँ क्या क्यों क्योंकि भैया दो किलोमीटर चले होंगे एक घंटे रेस्ट भी तो किया होगा तो दो बजे तक भैया ने बीस किलोमीटर एरिया कवर किया है कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे अब भैया ने अगले तीन घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा यानी कि दो बजे से लेके पाँच बजे तक कितना ट्रेवल किया होगा इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसी लॉजिक से करते हैं कितना क्या होगा तीन घंटे हैं लेकिन ट्रेवल तो भैया दो ही घंटे करते हैं भैया ने दोबारा किए होंगे बीस किलोमीटर तो यानी कि भैया ने टोटल चालीस किलोमीटर किए होंगे ठीक चालीस किलोमीटर किए होंगे कवर कोई दिक्कत यानी कि भैया अपने पॉइंट पी से चालीस किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं और दो बजे ठीक स्टार्ट हुआ है दूसरी दूसरा आदमी और वो चल रहा है पंद्रह की स्पीड से तो उसको चालीस किलोमीटर ट्रैवल करने में गाइस कितना टाइम लगेगा कर दो डिवाइड कितना आएगा ये आएगा दो घंटे चालीस मिनट तो अगर दो बजे चल रहा है दो घंटे चालीस मिनट ले रहा है मतलब चार बजे चार बज के चालीस मिनट पकड़ लेगा अच्छा था क्वेश्चन लॉजिक ऐसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं लेकिन अगर आ गए तो कर लोगे गुम तो, क्योंकि यार आप अगर लॉजिक समझ जाओगे ना बस ठीक है इजी रजेश कुछ भी मान लो तुम फोर मान के कर सकते हो भाई कुछ भी मान लो वही आएगा हाँ एलसीएम वाला भी करेंगे अभी ठीक है एक क्वेश्चन हमारा एलसीएम बेस्ड भी आता है वो भी हम देखेंगे चलो ये बताओ जल्दी बस लास्ट थ्री क्वेश्चंस गाइस बस तीन क्वेश्चन है लास्ट इसको मिला के इसके बाद आपका वो सर्कल वाला है बहुत ईजी है वो तो और सर्कल वाला तो आपका और ही ईजी है भाई तो अगर इतनी देर तक की हैं चीजें तो बस दो तीन मिनट और कर लेता एंड प्लीज डू लाइक द सेशन है यहां पे <laughs> डन पक्का फिफ्टी फिफ्टी तो ऑप्शन में नहीं है <laughs> कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो भाई फिफ्टी तो ऑप्शन में नहीं है।, है अच्छा देखो देख लो एल से निकालेंगे अभी तुम बताओगे ठीक है इतना कर दिया मैंने अभी कोई बोल रहा था ना कि सर हमें भी करने दो करो <laughs> देखो एक स्पीड है ए की फोटी फाइव बी की है सिक्सटी ठीक है ए भाई साहब हमारे चलना स्टार्ट किए नौ बजे और बी भाई साहब चलना स्टार्ट किए दस बजे दोनों जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं ठीक है दोनों अगर मीट कर रहे हैं उसके बाद मीट कहां पे कर रहे हैं एट द हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये पूरा क्वेश्चन होगा सिर्फ एक फॉर्मूले से डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टू टाइम इसी से हो जाएगा ठीक है कैसे अगर मीट कर रहे हैं तो टाइम तो सेम होगा ना निकालते हैं टाइम निकालते हैं टाइम तो ए को कितना टाइम लगा होगा ए को कितना टाइम लगा होगा अगर हम मान लें अगर हम मान ले कि हमारा जो बी है बी को भैया एक्स टाइम लग रहा है पहुंचने में कहां पे हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो ए को कितना लगेगा क्या आप बोल सकते हो क्या ए को लगेगा एक्स प्लस वन बोल सकते हो क्यों क्योंकि ए एक घंटे पहले चल रहा है और दोनों अगर वहां पे पहुंच रहे हैं मीट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है ए को हमारे एक घंटे ज्यादा लग रहे हैं ठीक ओके गुड अब क्या होगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा यानी ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा स्पीड फोर्टी फाइव है सॉरी स्पीड फोर्टी फाइव है और ये हमारा एक्सप्ल वन था टाइम बी ने कितना किया होगा बी की स्पीड सिक्सटी थी और ये एक्स था दोनों बराबर आपको दिया हुआ है खत्म दोनों बराबर दिया हुआ है भाई सॉल्व कर लो एक्स यहाँ से आ जाएगा ये फोर्टी फाइव है या सिक्सटी हो हुआ फिफ्टीन और ये थ्री एक्स आ गया हमारा थ्री एक्स क्या था एक्स क्या था एक्स क्या, क्या था हाँ सर्कल ही है काइंड kind ऑफ of, सर्कुलर ही है ये लेकिन अपोजिट में जा रहे हैं ना तो फिर हम यही करेंगे एक्स क्या था एक्स था हमारा बी का <laughs> का टाइम था पूछ क्या रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर किया ए ने तो अगर एक्स का टाइम थ्री था तो ए का टाइम कितना हो जाएगा फोर और फोर ने कितना कवर किया होगा फोर से कर दो मल्टीप्लाई बेसिकली फोर्टी फाइव को जो कि आ जाएगा कितना वन एटी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ देखो रिपीट कर दे रहा हूँ। अरे एक ऐसे जा रहा है कैसे जा रहा है यहां पर मीट करेंगे सर्कल ही हो रहा है सर्कुलर ही हो जा रहा है क्वेश्चन में क्या था कि भैया ए चल रहा है इस स्पीड के साथ बी जा रहा है इस स्पीड के साथ ए नौ बजे निकला है बी दस बजे तो एक मुझे बताओ इसका मतलब क्या है अगर दोनों मीट कर रहे हैं तो ए ने एक घंटे ज्यादा की सवारी की है yes no? वही तो किया भाई अगर हमने माना बी एक्स चला है तो ए चला होगा एक्स प्लस वन की स्पीड फोर्टी फाइव थी ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया दोनों बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों मिल रहे हैं बराबर करके इक्वेट कर दिया एक्स की वैल्यू आ गई खत्म कुछ था इसमें कुछ था अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो और मैक्सिमम लोगों ने कर लिया था वेरी गुड चलो ये भी आपका सर्कल वाला ही क्वेश्चन था लास्ट टू सर्कल बेस्ड आते हैं करते हैं बिल्कुल वही सेम लॉजिक है अगर अपोजिट जा रहा है भैया तो हम रिलेटिव स्पीड में ऐड करेंगे सिंपल वही वही फंडा है वही ही फंडा है भाई चलिए बताइए कह रहा है अगर स्पीड ए और बी की जो कि स्टार्ट कर रहे हैं वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ग्राउंड नाइन है और ट्वेंटी सेवन है आपसे कह रहा है लेंथ है अगर सर्कुलर ग्राउंड की इतनी तो भैया जरा बताओ कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे ये मैं आपको बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ ठीक है प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई तुम्हारा जो समझने वाला था वो हो चुका है स्टार्टिंग में जो तुम्हारे अफकैट में तुम्हारा कल्याण करेगा वह हो चुका है ये हम एक दो एक्स्ट्रा हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक परेशान मत हो चलो बताओ जल्दी 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 क्या होगा सबसे इजी इसके बाद एक एल्सियम वाला भी डाला मैंने एक एलसीएम वाला भी डाला है देखो भैया क्या लिखा हुआ है ए की स्पीड नाइन है बी की स्पीड ट्वेंटी सेवन है यहां पे सेकंड में है ना इसको चेंज कर लो यार इसको जरा हम कर लेते हैं चेंज ठीक या फिर रिलेटिव स्पीड निकाल के चेंज करो रिलेटिव <laughs> स्पीड कितनी आएगी ऐड कर देंगे ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन कितनी आई ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन कितनी आएगी ठीक है ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन कितना होगा थर्टी सिक्स इसको जरा चेंज कर लो कैसे करोगे फाइव बाई एटीन से करके मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा टेन यानी कि रिलेटिव स्पीड आ गई टेन आपसे पूछ कह रहा है कितना टाइम लगेगा यार डिस्टेंस अपॉन टाइम खत्म खत्म अब बताओ दीपक चहर छक्का मार दिया छोटी <laughs> छोटी खुशियां ही मिलेगी हमें अरे जीत सकते हैं भाई पता है दीपक चहर को ज़्यादा अच्छा खेल रहा है दो छक्के मार दिया तुम लोग दोस्त मैच देख रहे हो ना सही बताओ मैच देख रहे हो ना गधो पढ़ लो तुम्हारा पेपर है लास्ट क्वेश्चन आज का और ये आंसर इसका आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए गाइस कुछ भी हो जाए आंसर आना ही चाहिए इसका आखिरी क्वेश्चन आज का और ऑन सीरियस सीरियस नोट यार यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ ओके अगर अभी तक चीज़ें आप कर रहे हो रेगुलर तो इट्स रियली गुड थिंग यार ठीक है वेरी गुड तो आफ्टर दिस सेशन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको और बेस्ड ऑन द यो फीडबैक हम आगे की चीज़ें भी करेंगे ठीक है ये मैंने जानबूझ के थोड़ा से हाई लेवल रखे थे लास्ट में खासकर उनके लिए जो तो लास्ट लास्ट तक रुकते हैं ठीक है तो उनके लिए थोड़ा बनता था हाई लेवल ओके तो इसमें कॉन्फिडेंस डाउन करने वाली कोई चीज़ नहीं है ठीक है परेशान मत हो कि सर हाई लेवल है सर नहीं हुआ कोई बात नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं आप कैट की हम बात कर रहे हैं भाई परेशान मत हो लेकिन अगर ऐसे भी आएंगे तो मैंने आपको सिखाया सोचते कैसे हैं और हमेशा ये लॉजिक लेके चलना जिंदगी में कहीं भी हो एग्जाम हो कुछ भी हो भाई हमेशा आगे जाओगे ठीक और यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव मी सजेशन ठीक है मुझे ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि तुमने कुछ बोल दिया और मुझे बुरा लग जाएगा ऐसा कुछ ठीक है ऑलवेज टेल मी कि हाँ सर ये हम और ऐसे कर सकते हैं ये चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं या ये चीज़ अच्छा नहीं है सर ये चीज़ ख़राब है यू कैन जस्ट टेल मी ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बड़ा कि भाई मेरी टीम है बड़ी सी और ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलो इसका आंसर बताओ गधो अगर नहीं बता पाए तो मैं आने नहीं दूंगा कल से क्लास में टू फोर्टी पक्का देखो क्या कह रहा है ए बी और सी की स्पीड है छत्तीस फोट फिफ्टी फोर अट्ठारह कह रहा लेंथ है इतनी जरा बताओ कब मिलेंगे एक चीज याद रखेंगे जब भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे ना कब मिलेंगे बेसिकली वो आपसे उनका एलसीएम पूछ रहा है बस तो जरा पहले कन्वर्ट कर लो और कथो टाइम का एलसीएम स्पीड का एलसीएम नहीं कुछ गधे यहां होंगे जो स्पीड का एलसीएम निकाल दिए होंगे ना अबे मीटिंग का मतलब टाइम का एलसीएम भाई तो पहले टाइम निकालो बारह सौ तुम्हारा डिस्टेंस है छत्तीस किलोमीटर पर आवर को तुम पहले कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगा हमारा दस मीटर पर सेकेंड ये हमारा हो जाएगा कितना पंद्रह मीटर पर सेकेंड और ये हमारा हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड बाई टेन यानी कि वन ट्वेंटी टाइम टू कितना ले रहा है बी कितना टाइम ले रहा है ट्वेल्व हंड्रेड बाई फिफ्टीन यानी कितना एटी और तीसरा बंदा सी कितना टाइम ले रहा है ट्वेल्व हंड्रेड बाई फाइव यानी कि टू फोर्टी अब जरा इसका निकाल दो एलसीएम खत्म टू फोर्टी एटी वन ट्वेंटी का निकालो एलसीएम और अगर किसी ने बोला सर एल सी एम निकाल नहीं आता तो सिखा दूंगा आज नहीं लेकिन सिखा दूंगा चलो टू फोर्टी एटी मतलब एलसीएम क्या होता है वो लोवेस्ट नंबर जो इन तीनों से कट जाए सोच लो जरा टू फोर्टी का कट रहा रहेगा तीनों से कट रहा है क्या हाँ <laughs> ठीक है <laughs> कट रहा तो हो गया दैट्स इट दिस वॉज़ योर स्पीड डिस्टेंस टाइम मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा दिस इज़ आर टेलीग्राम आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी होगी डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे परैन प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन ठीक है मैंने कोशिश अपनी पूरी की कि जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं लास्ट तीन चार सालों में आपके आटे में जिस भी टाइप के आए हैं मैंने वो सारे टाइप्स कवर किए हैं और ये चीज़ याद रखेंगे मैथ्स से डरो मत प्रैक्टिस प्लीज़ करो और बाकी तो मिल कर लेंगे ठीक है उसके लिए परेशान नहीं होना है हाँ मैं पी भेज दूँगा आई विल सेंड पी डी ठीक चलो ध्यान रखो एंड खाने का इंतज़ाम मैं भी करता हूँ तुम भी कर लो अगर खाया नहीं है तो ठीक है चलो बाय मिलते हैं फिर से जल्दी तब तक के लिए अलविदा बाय